हेलो एंड गुड इवनिंग हाउ आर यू ऑल आई होप आप एटलीस्ट पैनिक नहीं कर रहे होगे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है अपनी प्रेपरेशन जैसे भी आपकी चल रही है वैसे चलते रहिए और जो स्टूडेंट्स मेरे से कांटेक्ट में थे पहले भी आप भी उनको प्लीज़ मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि अब आपने बहुत कुछ सीख लिया बहुत कुछ देख लिया और मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट वीक में आप किसी तरह का कोई वीडियो भी न्यू नहीं देखेंगे ठीक है ना तो कोई न्यू आपको वीडियो देखना है किसी तरह पे कोई नया कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है ये भी मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आपने ऑलरेडी पूरे साल में बहुत सारे करंट अफेयर्स बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो एक छोटा सा रिविज़न टाइप है बाकी प्लीज़ आप और कुछ भी न्यू सर्च मत की करना ठीक है Uh, एक चीज़ और ये नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का नेम लिखा हुआ आ रहा है इंजीनियर्स अड्डा एस एस सी जेई करंट अफेयर्स ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ आ रहा है uh, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको स्पेशल और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जितनी वीडियोस अब तक मैंने की हैं और आज की वीडियो इन सबके पी होंगे उन पीडीएफ से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं Uh, अगर आपने प्रॉपरली सब कुछ देखा है तो आई थिंक आप ईजिली हाफ एन आवर या वन आवर के अंदर अंदर सारे पी एक ही बार में निपटा सकते हैं और आपने देखा ही होगा कि क्लासेस के अंदर हमने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है uh, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही लिमिटेड नहीं रहा गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो बायो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई केमिस्ट्री गवर्नमेंट से जुड़ी हुई फिजिक्स सब हमने कवर की है और आज बची हुई और कवर कर लेंगे ठीक है तो आप लोग प्लीज़ uh, uh, सारा ये एक बार uh, टेलीग्राम को आप देख लेना इस टेलीग्राम पे आज की वीडियो के बाद मैं आपको दो चीज़ और इस टेलीग्राम पे दूंगा और यही दो होगा और कुछ नहीं होगा नंबर वन आपको वन पेज का एक पीडीएफ मिलेगा ठीक है वन पेज का एक पीडीएफ मिलेगा आ, वो आपको पढ़ना है और याद कर लेना है ठीक है उसमें आपके नेशनल पार्क आपने सुना होगा नेशनल पार्क सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व ये सुना होगा और इसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है इस लिस्ट में से छाट कर मैंने ऐसे आठ दस निकाले हैं जो बहुत फेमस हैं आप सबने सुने भी हैं जो एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लेना तो एक तो ये मिलेगा और दूसरा आपको प्री एग्जाम इंस्ट्रक्शंस मैं अपनी तरफ से दूंगा अगर आपकी इच्छा हुई तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लेना ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इनको सुन रहे होगे कि एग्जाम से पहले क्या करना है कितने समय पहले पहुंचना है क्या सब आपने जान जानते हैं मैं बस एक लिस्ट आपके सामने रख दूंगा ताकि कुछ छूट ना जाए ठीक है तो एक बार उनको जरूर आप पढ़ लेना ये रह जाए तो रह जाए पर ये जरूर पढ़ लेना इसके लिए आप प्लीज ये टेलीग्राम पे आ जाओ इस टेलीग्राम पे किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी अननेसेसरी आपको नहीं मिलेगा ठीक है सो क्विकली जरा हम ये आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे ठीक है आज मैं क्वेश्चंस आपके साथ कवर नहीं करूंगा हम सिर्फ डेटा पे रहेंगे एक्सरसाइज uh, है आपकी ये मिलिट्री वाली एक्सरसाइजेस हैं टाइगर ट्रम्फ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया और यूएस के बीच ये सबसे पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब है uh, तीनों सर्विसेज एयरफोर्स भी नेवी भी और यस पीवन कुमार जी आपका जो uh, जो कमेंट है ना ये वीडियो के ये तो चैट चल रहा है जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो चैट के नीचे कमेंट है ना वहाँ कमेंट में आप चेक कर लो कमेंट में ऑलरेडी मैंने कमेंट ये कर दिया है इस वीडियो का लिंक ठीक है इस इस सॉरी टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है वहाँ पर पड़ा हुआ है चैट में नहीं है कमेंट्स में है आप लोग प्लीज़ देख लेना ठीक है और ये और अगर कोई नहीं देख पा रहा है वहां से तो वो क्या कर सकता है ये नीचे टेलीग्राम चैनल का नेम लिखा आ रहा है आप उसको सर्च कर लीजिए ये फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है तीनों तरह की फोर्सेस इसमें इंक्लूड हुई हैं ठीक है नाम कैसे याद रख सकते हैं टाइगर इंडिया के लिए ट्राई यूएस के लिए ठीक है अजय वॉरियर वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी में नेम है अजय ये मिलिट्री की एक्सरसाइज थी इंडिया और यूके के बीच में वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब जो मैं अब आपको बताने लगा हूं मालाबार एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट मालाबार अभी तक आपने सुना होगा कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो होती है इंडिया जापान और यूएस के अंदर अब इस एक्सरसाइज में कल ही कल ही ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया गया है ठीक है तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड हुआ है क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का आ, बहुत पहले से ही आ रहा था ठीक है आप अपनी वीडियो गुलजार गुलनाज अहमद जी चेक कीजिए ये वीडियो मेरे पास भी मोबाइल में चल रही है और ठीक चल रही है ठीक है देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है वरुणा एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट वरुणा नेम से आ, आप गेस कर सकते हैं कि ठीक है ये नेवी से जुड़ी हुई है और इंडिया और फ्रांस के बीच में है ठीक है हालांकि वरुण से लगता है कि ये आ, एक्सरसाइज फोर्स की होगी बट वो नहीं है उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार वाली एक्सरसाइज वो आपकी है ये कावकाज या कॉकस ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और बहुत सारे देश एक साथ करते हैं रशिया में हो, हो, हुई है ये एक्सरसाइज होनी थी पर ये कोविड 19 की वजह से कैंसिल हो गई 18 18-19 कंट्रीज इसके अंदर होते हैं और इंडिया ने पहले पार्टिसिपेट करना था बाद में इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है ठीक है सो so, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ठीक है ये जितनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेबरिंग मतलब चाहे वो सी का नेबर हो आपका ये इंडिया और मलेशिया के बीच में है इंडिया और यूके के बीच में एक और एक्सरसाइज है कॉन्कन एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में एक अजय वॉरियर था तो ये कॉकन एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके सिम्बैक्स आप नेम से मेजर कर सकते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है सिंगापुर स्लिनेक्स uh, भी आप नेम से देख सकते हैं एस एल का मतलब है श्रीलंका इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है एक ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना ये एक्सरसाइज आपकी इंडिया और मालदीव के बीच में है ठीक है आई uh, होप uh, uh, ये जो चार मैंने चार वाली लगाई है ये आपको अभी याद होगी होंगी मालाबार पहले ही आपने पढ़ी होगी समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ कवकाज रशिया और मालडिवस के साथ टाइगर ट्रम्फ अगर एक एक और इंपॉर्टेंट था यूएस के साथ नाउ ये आपने न्यूज में सुना होगा एस फोर हंड्रेड सिस्टम ये एस फोर हंड्रेड ट्रायम्फ सिस्टम ये देखो ट्रायम्फ वर्ड यहां पे भी आ रहा है ठीक है तो ये कहीं ना कहीं मिलिट्री से जुड़ा हुआ है ये एक एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है लेटर uh, से ये इंडिया की जमीन है और इसके ऊपर फॉरन से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है जो हमारे लिए हमें दिख रहा है कि हमारे uh, अगेंस्ट है हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट है तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करना है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से एक मिसाइल होगी जो डायरेक्टली जाकर इस प्लेन को जाकर हिट कर देगी ठीक है अपने आप जाएगी उस प्लेन को जाकर हिट कर देगी ये आपका S400 सिस्टम है ठीक है बस इतना ही याद रखना है और हम इसको खरीद रहे हैं रशिया से ठीक है और ये डील हो चुकी है इससे ज़्यादा आप S400 के बारे में और कुछ याद मत रखिएगा ठीक है नेक्स्ट एक और मिसाइल जो आपको याद रखनी है वो है अस्त्र मिसाइल, ठीक है अस्त्र मिसाइल, आपको पता होगा हिंदी में दो वर्ड आते हैं अस्त्र और शस्त्र आ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये दोनों वेपन होते हैं ठीक है थीके? आप में से जो हिंदी बेल्ट से उनको क्लियर होगा एक अस्त्र होता है एक शस्त्र होता है आप कंफर्म कर देना एक बार Uh, अस्त्र का मतलब आई थिंक वो वाले वेपन होते हैं जिनको आप दूर तक फेंक सकते हैं ठीक है जैसे वो तीर कमान हो सकता था और शस्त्र वो वाले वेपन हैं जिनको आप हाथ में रख के यूज़ करते हैं जैसे आपका तलवार हो गया ठीक है तो आप चेक कर लेना कि ये डेफिनेशन सही है कि नहीं अगर नहीं भी सही है कोई बात नहीं सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको अस्त्र याद रहे ये हवा से हवा की मिजाइल है आप एयर वो फाइटर क्राफ्ट उड़ा रहे हैं वहीं से उड़ा देंगे आप ठीक है विनयराज जी टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो ये नीचे लिखा हुआ है इंजीनियर्स अड्डा एस एस सी करंट अफेयर आप इसको सर्च कर सकते हैं नहीं तो कमेंट में कमेंट में चैट में नहीं कमेंट में वो लिंक मेंशन है आप वीडियो के बाद वहां से देख लेना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिजाइल है ठीक है आपको अगर नहीं भी वो दिख रहा है ये वहां भी जाके मारेगी लेटर से ये माउंटेन है ये एरोप्लेन है और एक ये एरोप्लेन है इस ये इंडिया का एरोप्लेन है इसने मिजाइल छोड़ी तो ऐसे जाके भी उसे लग सकती है ठीक है Uh, ये इंडिया के अंदर सबसे पहली बार बनी है डीआरडीओ ने बनाई है और किसी मिसाइल के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है ये तीन आपके जो हैं ये गन सिस्टम्स हैं ठीक है गन्स uh, मतलब आर्टिलरी है ये इनके अंदर आप याद रखना होविडजर यूएस का आई थिंक नेम से ही याद हो जाएगा K9 नाइन हंडर्ड के का मतलब कोरिया से लिया है ऑब्वियस बात है नॉर्थ कोरिया से नहीं लिया होगा साउथ कोरिया ही होगा और एडवांस्ड टोअ आर्टिलरी गन सिस्टम ए टी ए जी एस ये इंडिया ने बनाया है तो इंडिया के लिए देखो याद इंडिया का आप तभी करेंगे अगर उसमें कुछ खास है और ख़ास ये है कि ये एडवांस्ड है बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं आई होप ये आपको यहीं याद हो गया होगा ठीक है देन आई एन एस विक्रमादित्य हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ठीक है ओके सो आईएनएस एन विक्रमादित्य ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि ये एक ऐसी शिप है जिस शिप के ऊपर एरोप्लेन लैंड भी कर सकते हैं और फ्लाइट भी भर सकते हैं ठीक है नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी स्पाइक स्पाइक एक फायर एंड फॉर्गेट एंटी टैंक गाइडेड मिजाइल है टैंक को खत्म कर सकते हो अगर सामने से कोई आर्मी के पर्सनल आ रहे हैं आप उनको खत्म कर सकते हैं ठीक है और फायर एंड फॉरगेट फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि आप एक बार फायर करो मिसाइल को अब आपको मिसाइल को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है आपको मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं है कि यहां जाके गिरो वो अपने आप को खुद गाइड कर दिए फायर करो और भूल जाओ ठीक है ये इस तरह की मिसाइल है आ, दो बातें और जो आपको याद रखनी है वो है कि यूएस से हमने हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अपाची और चिनुक ठीक है तो आई थिंक ये नेम्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे जो शायद आपने ना सुना होगा वो है रशिया से एक खरीदा है कैमोव ठीक है डिटेल याद नहीं करनी है सिर्फ नेम्स याद रखने हैं आपको अपैचे और चिनूक याद रखिएगा यूएस का और कैमोव याद रखिएगा रशिया का दैट्स ऑल और कुछ याद नहीं करना यहां यहाँ से स्पाइक मिजाइल है ठीक है कई बार क्वेश्चन ऐसे घूमकर आ सकता है कि स्पाइक क्या है और चार ऑप्शन होंगे मिजाइल होगा एक ऑप्शन होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है एक ऑप्शन होगा कि हेल्थ से रिलेटेड है तो ओके तो आई थिंक मैंने सही बता दिया है फाइन हाँ पवित्र होगा बिकॉज मैं जो आपके साथ करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ वो लास्ट टू ईयर्स के कर रहा हूँ और दो साल का करंट अफेयर कई बार वो लोग टच कर जाते हैं ठीक है देन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिजाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम का नाम याद नहीं रखना है याद जो रखना है वो ये है कि ये वो प्रोग्राम है जो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था ताकि हम मिसाइल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सके आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हो सके मिसाइल डेवलपमेंट के अंदर और इसके अंदर जो मिसाइल्स हमने बनाई थी वो थी पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश एंड नाग इन नाम को याद मत करो नाम जो याद करने वो ये है कि अस्त्र मिसाइल इनके अंदर नहीं आती है ब्रह्मोस यहाँ पे नहीं आती है ब्रह्मोस जो मिज़ाइल है वो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है ठीक है और ब्रह्मोस जो आपकी है ये एक हाइपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक कह दो हाइपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ठीक है और इसके अंदर सबसे ख़ास बात क्या है ऐसा क्या है इसके अंदर की जो सब लोग डरते हैं ये आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं चाहिए बस एक आ, कुछ सेकंड्स के अंदर मैं आपको बताता हूं जो आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बेलिस्टिक मिजाइल्स होती है ना आई सी मिजाइल जिनके अंदर आप न्यूक्लियर वगैरह भी फेंक सकते हैं वो मिज़ाइल इस तरह से जाके अटैक करती है ठीक है सपोज इसने अटैक करना था तो इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है अगर उस देश के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस मिसाइल को रास्ते में ख़त्म कर दे तो कर सकता है लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी खासियत क्या है ये कैसे ट्रेवल करती है अब देखिए ये ऐसे जाएगी और फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ गिरेगी अब अब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते आपको उसका पता ही नहीं कि किधर को मुड़ेगी ठीक है तो हाई जो क्रूज वर्ड आप सुनते हैं ना कि क्यों लोग ब्रह्मोस को रिस्पेक्ट देते हैं इंडिया के भी और बाहर के भी वो इस वजह से देते हैं ठीक है नाउ वो याद नहीं करना है ओके पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा इसके बारे में असाम राइफल आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है ये पैरामिलिट्री का मतलब है कि ये मिलिट्री नहीं है ये मिलिट्री की सपोर्ट के लिए है जहां पे ऑलरेडी मिलिट्री नहीं मॉस्को नहीं है ब्रह्म ब्रह्मा और मॉस्को नहीं है ब्रह्मपुत्र जो है रिवर है वो इंडिया का और एमओएसएस से एक और रिवर है जो रशिया का रिवर है दोनों रिवर रिवर के ही नेम पे हैं, ठीक है ओके सो पैरामिलिट्री फोर्सेस असम राइफल्स ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये मिलिट्री की सपोर्ट के लिए होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आईटीबीपी सशस्त्र सीमा बल याद रखिएगा असम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर के लिए होती है बीएसएफ आप लोगों को पता होगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी तो पाकिस्तान में पहले बांग्लादेश भी आता था तो आज इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों पे बी एस एफ ही है ठीक है जो इन आई टी बी पी फोर्स है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये आपका इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर तिब्बत का बॉर्डर मतलब चीन का वो पार्ट चाइना का वो पार्ट जिसमें तिब्बत आ चुका है ये उस एरिया को कवर करती है और सशस्त्र सीमा बल दो कंट्रीज़ के साथ नेपाल के साथ और भूटान के साथ जो बॉर्डर है इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और जो चाइना के साथ बॉर्डर है यहाँ पे आर्मी भी बहुत सारे एरिया में होती है आर्मी के अलावा ये जो मैंने लिख दिया है ये प्लीज़ याद कर लेना बट ये भी याद रखना पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर आर्मी भी होती है यहाँ पे आसाम राइफल के बारे में एक चीज़ न्यूज़ में बहुत रही है जो आ सकती है असाम राइफल्स के दो हेड होते दो कंट्रोल हैं इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि क्या पेंशन देना है क्या सैलरी देना है ठीक है कहाँ पे कहाँ पे किसको भेजना है ठीक है और एक ऑपरेशनल कंट्रोल है कि, कि किसकी कहाँ पे कमांड होगी ऑपरेशनल uh, कंट्रोल का मतलब होता है कि जो आ, 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 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनका जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं उसका जो कंट्रोल है असम राइफल का वो आर्मी के पास है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है ठीक है एंड कीप इन माइंड जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे नहीं होती हैं याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आती हैं ठीक है वेल uh, well, ये भी आपको ऑलरेडी पता ही होगा एस uh, पी भी आप जानते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये uh, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो फैमिली है और जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी फैमिली थी इन सबको प्रोटेक्ट करती है पूरे लाइफ के लिए प्रोटेक्ट नहीं करती है एक बार आप uh, पूर्व प्रधानमंत्री बन गए हैं फॉरन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके बाद एस हटा ली जाती है हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है उनको सी से जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी पर एसपी नहीं मिलेगी ठीक है कुछ समय के लिए रहेगी जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर से हटे फिर कुछ पाँच दस साल के लिए रहेगी फिर हट जाएगी ठीक है बस इतना याद रखना है कि एस क्या होती है देन ओके uh, okay, तो जितना भी डिफेंस से रिलेटेड था वो सारा खत्म हो गया Uh, दो चार बातें आपको याद रखनी है कि मलबेरी तसर एरी और मुगा ये इंडिया की सिल्क की वैरायटी हैं ठीक है आपको अगर कभी पूछ लिया जाए ये कमर्शियल वैरायटी हैं इंडिया की सिल्क की मलबेरी तसर एरी और मुगा ठीक है uh, एग्जोन जो आपका है ये नागालैंड का एक फर्मेंटेड सोयाबीन है ठीक है ये न्यूज़ में बहुत था तो याद रखिएगा एक्जोन एक, एक सोयाबीन है जिसकी फर्मेंटेशन की गई है ठीक है और ये कहाँ का है नागालैंड का है ठीक है ओके आ, वे ये जो मलबेरी वाला है उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है मलबेरी शहतूत के पेड़ को भी कहते हैं और शहतूत के पेड़ के ऊपर ही आपका बटरफ्लाई और कैटरपिलर होते हैं और वहीं से आपको पता है कि कैटरपिलर से ही हमारी सिल्क बनती है तो आई थिंक इसको आप इजीली याद कर सकते हैं ओके एक्जोन भी हो गया देन नेक्स्ट राइस को आजकल डायरेक्ट सीडिंग की जा रही है आपको पता है कि राइस को हम कैसे करते हैं सबसे पहले एक छोटे से क्रॉप में नर्सरी में राइस की सीडलिंग्स तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे पौधे बाद में इनको उठाकर ऐसे दूर दूर लगा देते हैं और राइस की इस तरह से खेती होती है बट अभी क्या हो रहा है डायरेक्ट सीडिंग हो रही है जैसे गेहूं का डायरेक्ट जो सीड है वो ज़मीन में डाल दिया जाता है आजकल राइस का भी डायरेक्ट सीड डाल दिया जाता है और इससे आपका वाटर भी बच जाता है और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है Uh, इससे रिलेटेड बहुत सारी मशीनस आई हैं जिनके बहुत सारे ब्रांड नेम चलते हैं आपने वर्ड सुने होंगे हैप्पी सीडर ठीक है आपने वर्ड सुना होगा लकी सीडर तो इस तरह के जो वर्ड सीडर वर्ड अगर आपको दिख जाए तो याद रखिएगा कि वो राइस के लिए स्पेशल रेडी किया गया था ठीक है हाँ ऐसा नहीं है कि है, हैप्पी सीडर, सीडर और लक्की सीडर सिर्फ और सिर्फ राइस के लिए हैं इनकी मोडिफाइड वर्जन हैं जो और फसलों के लिए यूज की जा सकती हैं बट आई थिंक आप गेस कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके मेज यानी कि मक्की कॉटन राइस इनके ऊपर ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पेस्ट आता है फॉल आर्मी वॉर्म ठीक है बहुत इसका नुकसान करता है हर साल नुकसान करता है कॉटन के लिए एक सफ़ेद मक्खी जिसको हम वाइट फ्लाई कहते हैं वो कॉटन के लिए एक्स्ट्रा याद रखना है कि कॉटन को वाइट फ्लाई भी असर करती है फॉल आर्मी वॉर्म तो लगभग सारी फसलों को कवर करता है मेज कॉटन राइस ही इंडिया की सब मेन मेन क्रॉप्स हैं वो सबको कवर करता है ठीक है देन ओके okay, सो so ये आजकल काफ़ी फेमस टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर को लेकर इतना फेमस चल रहा है कि अभी पीछे ही यूपीएससी uh, का एग्ज़ाम हुआ था और उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि पूरा एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से ही पूछ दिया था ठीक है तो आप याद रखिएगा कि 23 क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर जिनका एम तय होता है एमएसपी का मतलब है ध्यान से सुनिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम ध्यान से सुनना अभी मैं जो कुछ कहूंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बिकॉज ये रिसेंट है और ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है तो एसएससी यूपीएससी वाले क्वेश्चन ही पूछता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एमएसपी को डिसाइड कौन करता है सेंटर डिसाइड करता है अनाउंस कौन करता है सेंटर ही अनाउंस करता है सेंटर कैसे करता है एक कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसका फुल फॉर्म है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये एक कमीशन है जो यह तय करता है कि ओके okay, वीट का कम से कम आपको प्राइस क्या रखना चाहिए राइस का क्या रखना चाहिए कॉटन का क्या रखना चाहिए मेज का क्या रखना चाहिए सबका वो तय करता है इसका डिसीजन फाइनल नहीं होता है यह अपना जो रेट है वो कैबिनेट को बताता है कैबिनेट फाइनली डिसाइड करता है कि क्या एमएसपी होगा एमएसपी के अंदर 23 क्रॉप्स कवर होते हैं ठीक है एमएसपी uh, कहने का मतलब यह होता है कि वीट जैसे सपोज राइस का एमएसपी निकल कर आया है नाइनटीन हंड्रेड रुपीज पर क्विंटल मतलब हंड्रेड के जी नाइनटीन हंड्रेड का यानी कि वन के जी नाइनटीन रुपीज का यह गवर्नमेंट ने बोला है कि यह मिनिमम प्राइस है तो फार्मर से जब भी आपको खरीदना है तो एटलीस्ट नाइनटीन हंड्रेड रुपीज का क्विंटल खरीदना है लेटेस्ट से कोई पर्सन फार्मर को ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपीज दे रहा है तो फार्मर उसे सेल कर सकता है लेटर से कोई पर्सन फार्मर को 1700 दे रहा है तो फार्मर उसको सेल करने से मना कर सकता है फार्मर क्या कर सकता है गवर्नमेंट को सेल कर सकता है गवर्नमेंट उसको कम से कम 1900 जरूर दे देगी ऐसा ही कुछ शुगर केन के लिए भी होता है शुगर केन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो प्राइस डिसाइड करती है उसे हम बोलते हैं एफ ये पूछा जा सकता है बिकॉज ये न्यूज में कम आ रहा है एफ का मतलब है फेयर एंड रेमोनोरेटिव प्राइस तो गवर्नमेंट क्या करती है शुगर केन फार्मर्स के पास ये चॉइस नहीं होती है कि अगर कोई आपको कम दाम दे रहा है तो अब आप चलो दो दिन और चार दिन वेट कर लो और गवर्नमेंट को बेच दो शुगर केन सूखने लग जाता है उसमें अंदर जब उसके अंदर से पूरा जूस खत्म हो जाएगा तो शुगर केन का कोई बेनिफिट नहीं है तो शुगर केन तो आपको बेचना ही पड़ेगा चाहे प्राइस कम मिले चाहे ज़्यादा मिले तो गवर्नमेंट क्या करती है एक एफ निकाल देती है फेयर एंड रेमोनोरेटिव प्राइस और वो गवर्नमेंट क्या करेगी बोलेगी कि ठीक है ये एफ है जितनी भी शुगर मिल है उनको बोला जाएगा आप किसानों से जितनी भी शुगर केन लेंगे आपको उसे इतना प्राइस देना पड़ेगा ठीक है लेटेस्ट से गवर्नमेंट ने जो प्राइस तय किया है शुगर केन का वो तय कर दिया है रुपीज हंड्रेड ठीक है लेटेस्ट से हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं एक यूपी गवर्नमेंट है और लेटेस्ट से एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ जो शुगर केन है वो एट मंथ में रेडी होता है और उसके लिए हंड्रेड रुपीज़ काफ़ी है लेटेस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ जो शुगर केन है वो वन पॉइंट फाइव ईयर में पैदा होता है तो हमें तो कम से कम वन हंड्रेड एट्टी रुपीज़ का प्राइस देना पड़ेगा किसान को तो क्या होगा अलग अलग राज्य एफ जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइन फाइनलाइज कर दिया उसके ऊपर थोड़ा बहुत सरप्लस बोनस दे सकते हैं लेटर से यूपी ने हंड्रेड का हंड्रेड ही रहने दिया महाराष्ट्र ने उसको वन एटी कर दिया और ये लॉजिकल भी है वहां एट मंथ्स में जो काम हो रहा है यहां वही काम वन पॉइंट फाइव ईयस में एटीन मंथ्स में हो रहा है ठीक है तो इनको एक्स्ट्रा बनता है और इनको एक्स्ट्रा मिल भी रहा है तो हर स्टेट क्या करती है एफ के अंदर चेंजेस करके अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर देती है उसे हम बोलते हैं एस तो याद रखना जो बात इसके अंदर याद रखने की है वो ये है कि जो आपका एमएसपी होता है उसको डिसाइड और अनाउंस सेंटर ही करता है शुगर केन के लिए एक प्राइस होता है एफ जिस प्राइस को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है बाद में अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकती है फिर उस प्राइस को हम बोल देंगे एस ठीक है दैट्स ऑल आपको इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है अगली चीज जो यहां पे याद रखने की वो है पीडीएस पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वो है जो दो रुपए का गेहूं तीन रुपए का गेहूं पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को मिलता है तो वो किस प्राइस पे मिलता है उसे हम बोलते हैं सीआईपी सीआईपी ये लिखा हुआ वर्ड मैंने सीआईपी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इशू प्राइस ठीक है सेंट्रल इशू प्राइस अब गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट ने सपोज राइस खरीद लिया फार्मर से नाइनटीन हंड्रेड रुपीज पर क्विंटल पे इसका मतलब ध्यान से सुनना गवर्नमेंट ने राइस खरीद लिया नाइनटीन रुपीज पर के जी गवर्नमेंट ये फार्मर है फार्मर ने गवर्नमेंट को दे दिया नाइनटीन रुपीज पर के जी में अब गवर्नमेंट एक पुअर पर्सन को देना चाहती है टू रुपीज पर के जी में तो गवर्नमेंट ने फार्मर से जिस प्राइस पे लिया उसे हम बोलते हैं एम एस पी और गवर्नमेंट जिस प्राइस पे उस पुअर पर्सन को दे रही है उसे हम बोलते हैं सी आई पी सेंट्रल इशू प्राइस अब ये 19 और 2 गवर्नमेंट तो सेवनटीन रुपीज़ के लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट वो जो सेवनटीन रुपीज़ का लॉस झेलती है उसे हम बोलते हैं फ़ूड सब्सिडी जो बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं ना फूड सब्सिडी क्या होती है फूड सब्सिडी वो यही होती है फूड सब्सिडी का मतलब है कि वो 19 वाला गवर्नमेंट आपको 2 में दे रही है सेवनटीन रुपीज़ का लॉस खुद गवर्नमेंट झेल रही है उसी को हम बोलते हैं फूड सब्सिडी और एक और प्राइस होता है उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एमआरपी Uh, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर रिटेल का मतलब होता है शॉप जो फाइनल शॉप जहां से आप खरीदते हो वो रिटेल होता है जहां से खुद शॉपकीपर जाके खरीदता है वो होलसेल होता है तो एमआरपी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है शॉप का प्राइस गवर्नमेंट नहीं तय करती है कंपनियां खुद तय करती हैं वो ये तय कर देती हैं कि इस चीज़ का एमआरपी आर पी टेन रुपीज है तो ये कुरकुरे का लेज का पैकेट टेन से ज्यादा आप नहीं बेच सकते ठीक है तो एम आर पी आई थिंक उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है जो मुझे आपको प्राइस बताने थे वो था एक एम एस पी एफ आर पी एस ए पी और सी आई पी प्लीज़ इन सबको ध्यान में रखना इनके ऊपर क्वेश्चन नाइन्टी परसेंट आप एक्सपेक्ट कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ ये भी आपको थोड़ा याद रखना है आ, सैफरन का मतलब होता है केसर और पेम्पोर सैफरन हेरिटेज ये कश्मीर ठीक है कोरापुत ट्रेडिशनल ये कश्मीर की जो केसर है ना वो बहुत फेमस होता है कोरापुत एक जगह है उड़ीसा के अंदर यहाँ के किसानों ने ये एक बहुत ही पछड़ा हुआ इलाका था और यहाँ के किसानों ने एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बनाया जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसा है जैसे आपको पता है अगर आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको सॉइल की फर्टिलिटी क्या है सॉइल की ह्यूमिडिटी क्या है हवा के अंदर मॉइस्चर क्या है ये सब पता होना चाहिए तब आप प्रॉपर मॉडर्न एग्रीकल्चर फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही आप कुछ भी ना सोचो और एग्रीकल्चर करते रहो तो वो ट्रेडिशनल पुराना एग्रीकल्चर है कन्वेंशनल है अगर मॉडर्न करना है तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे कोरापुर के अंदर क्या हो रहा है यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो मॉडर्न वाले सारे काम करते हैं वो सॉइल का मॉइस्चर देखते हैं ह्यूमिडिटी देखते हैं वो सब कुछ देखते हैं बट वो इनमें से कुछ भी देखने के लिए जो मॉडर्न साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनको यूज नहीं करते वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करते हैं पुरानी नॉलेज यूज करते हैं मॉइस्चर भी देख लेते हैं फर्टिलिटी भी देख लेते हैं सब कुछ देख लेते हैं इसीलिए कोरापुत का एग्रीकल्चर बहुत फेमस है आ, ये जो है कोटानाद या कट्टानाद जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता ये केरला में है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सी लेवल के नीचे फार्मिंग होती है ठीक है आपको पता है सबसे लोवेस्ट जो लेवल होता है वो सी लेवल होता है उससे नीचे केरला के अंदर कटरनाद में ये फार्मिंग होती है ये तीन इम्पॉर्टेंट क्यों हैं बिकॉज इन तीनों को रिसेंटली रिकग्निशन मिली है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसलिए तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बाद जो अगले इम्पॉर्टेंट हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा खजान फार्मिंग जो है ये गोवा में होती है पोकली पेडी जो है ये राइस है ठीक है ये केरला में होता है ये एक ऐसा देखो केरला आपको पता है सी के पास है तो वहां का जो पानी है उसमें सॉल्ट होता है तो पोकली पेडी जो सॉल्ट जो राइस है ये सॉल्ट वाले पानी में भी हो जाता है और इसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है जेड बी एन एफ का फुल फॉर्म जेड बी एन एफ का फुल फॉर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बहुत फेमस है न्यूज़ में बहुत रहा है रिसेंटली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी इसके बारे में चर्चा की थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मीनिंग uh, देखिए आप सपोज आपके पास ये वीट है वीट के अंदर आपने कोई और फसल लगाई हुई है ठीक है एक रो वीट का एक रो किसी और का एक रो वीट का एक रो किसी और का लेटर से वीट के बीच में वीट मेन है उसके बीच में आपने चना या कोई ग्राम आपने लगा दिया ठीक है अब जिस जो ये चना है इसको आप बेचिए ये कम है ठीक है चने को आप बेचिए और वीट की खेती का खर्चा निकाल लीजिए और जो वीट आप बेचेंगे वो फिर सारी प्रॉफिट में ठीक है वीट को लगाने के लिए जो भी आपका खर्चा होगा उसके लिए आप क्या कीजिए वीट के अंदर अंदर छोटे छोटे कुछ कुछ पौधे चने के लगा दीजिए चना पहले काट लीजिए चने से आपका वीट को लगाने का खर्चा पूरा हो गया चने से कोई प्रॉफिट नहीं आया वीट को जब आप बेचोगे तो सारा ही प्रॉफिट रहेगा फिर वो ठीक है ये होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अब इसमें और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं जैसे काओ डंग को यूज करो हनी आ, को यूज़ करो आ, और काओ के यूरिन को यूज करो ये सब नेचुरल फर्टिलाइजर आपको पता होते हैं इन सब को यूज़ करने का इसके अंदर बात की गई है ठीक है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट बात है नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती वो लोग ऑर्गेनिक के भी खिलाफ होते हैं ठीक है अभी रिसेंटली कर्नाटक ने गवर्नमेंट uh, ने एक ऑफिशियल तौर से जेड बी एन एफ को लागू कर दिया है ठीक है uh, ये तीन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि एफ ए ओ के लिए थे और ये तीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं ठीक है सो ये क्वेश्चन uh, आने का चांस है यहां से फाइन देन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडकोार्टर फिलीपींस में है ठीक है बस इतना याद रखना है इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने गोल्डन राइस भी बनाया है ठीक है आप जो गोल्डन राइस के बारे में सुनते हो वो आपका ए, 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 उसका लिंक कहीं ना कहीं इसी गोल्डन राइस कुछ नहीं है एक राइस है जिसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स की लेयर चढ़ाई होती है जिस वजह से उसका जो रंग है वो गोल्डन दिखता है ठीक है गोल्डन राइस फाइन नेक्स्ट uh, ये हमारे इस साल आने वाले सारे साइक्लोन्स की लिस्ट है ठीक है uh, ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट है और ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट है स्टेट्स uh, आपका दिस इज गुजरात यहाँ पे महाराष्ट्र है यहाँ गोवा है कर्नाटक है केरला है देन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा एंड फिर वेस्ट बंगाल ठीक है तो ये इंडिया का पूरा सी है वेस्ट uh, कोस्ट में आपके आए थे निसार्ग कयार, महा वायु एंड हक्का ईस्ट कोस्ट में जो आए थे वो थे बुलबुल फनी तितली एम्फान ओखी एंड गाजा प्लीज़ इस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा लिस्ट को याद करना आपको ये नाम आपने पहले सुने होंगे क्योंकि ईस्ट कोस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है ना बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल उसके अंदर साइक्लोन्स का नंबर भी ज़्यादा होता है और साइक्लोन वहाँ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इसीलिए आपने ये नाम ज़्यादा सुने हैं पर यह भी नाम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में वो नहीं देखते कि क्या सुना है क्या नहीं सुना है तो निसार्ग कयार महा वायु एंड हिक्का इंपॉर्टेंट बुलबुल फानी तितली अम्फान ओखी एंड गाजा ये ईस्ट कोस्ट के हैं इसको याद कर लेना प्लीज बिकॉज अगर आपका लक हुआ तो एक नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन आ जाना है कि ये जो साइक्लोन है ये इंडिया के किस कोस्ट पे आया था वेस्ट कोस्ट पे आया था या ईस्ट कोस्ट पे आया था अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल उठाना है तो वो क्या करेंगे तीन यहां से उठा लेंगे निसार्ग कयार और महा और एक यहां से उठा लेंगे गाजा और बोलेंगे फाइट द ऑड वन आउट या बोलेंगे कि इनमें से कौन सा ईस्ट में था तो आंसर गाजा ठीक है प्लीज इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और जरूर इसको एग्जाम से पहले भी दो दिन पहले एग्जाम से एक बार जरूर देख के जाना इस लिस्ट को इंपॉर्टेंट लिस्ट है ठीक है बे ऑफ बंगाल में याद रखना जो यहाँ पे देखिए फाइव लिखे हुए हैं इधर सिक्स लिखे हुए हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा भी आते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं देन इंडिया के मानसून के बारे में ये चीज़ बहुत न्यूज़ में रही है आपको ये पहले ही पता होगी इंडिया का मानसून एल नीनो की वजह से कम हो जाता है लानीना से बढ़ जाता है एल नीनो आपके मानसून को कम कर देती है वेरी इंपॉर्टेंट ला नीना उसको बढ़ा देती है एक और चीज़ आप याद रखिएगा इंडियन ओशन डाइपोल ये आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या है ये सब विंड सिस्टम्स हैं ठीक है इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव होता है तो ये अच्छा है मानसून के लिए अगर नेगेटिव होता है तो ये मानसून के लिए खराब है आई थिंक इसको याद करने की जरूरत नहीं है फाइन उसके अलावा कई बार ऐसे लिस्ट आती है कि इनमें से कौन सी लिस्ट मानसून के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है जैसे विंटर में कितनी बारिश हुई आ, कौन सा साइकिल चल रहा है सीजन का समर कितनी ज़्यादा गर्मी की थी तिब्बत में क्या हालात हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है तो आंसर ये याद रखिएगा कभी भी ऐसे पूछा जाए ना ऐसे लिस्ट बना दी जाए कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं आंसर इज ऑल फैक्टर्स ठीक है ये मैंने लिस्ट कुछ लिख दी है लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है आप याद रखना कि ऑल फैक्टर्स हर चीज मानसून के ऊपर अपना कोई ना कोई असर डालती है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि इंडिया का मानसून आज तक समझ ही नहीं आया है पूरी तरह से ये एक साइंटिफिक uh, फैक्ट है इंडिया का मानसून आज तक समझ नहीं आया है ठीक है हाँ हाँ यस यस आप आज नोट मत करो आज थोड़ी स्पीड ज्यादा है आ, ये सब पीडीएफ में है पीवन कुमार फाइन ठीक है सब कुछ वहां पे है ओके okay, सो so ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना सब मॉनसून के ऊपर असर डालते हैं तो वहां ढूंढने मत लग जाना कि विंटर का मॉनसून पर असर होगा कि नहीं होगा इसका होगा कि नहीं होगा सबका असर होता है ठीक है क्योंकि आज तक मॉनसून पूरी तरह से समझ ही नहीं आया है विंटर रेनफॉल को एक और नाम से बुलाते हैं वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है मैं बताता हूं आपको ध्यान से सुनो आपके जो साइक्लोन होते हैं ना वो आ, दो तरह के होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं और ट्रॉपिकल एरिया ये ये मैंने आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन ड्रॉ कर दी और इधर जो आपके होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं टेम्परेट साइक्लोन हमारे पास यहाँ पे बनते नहीं है वो इधर मेडिट्रेनियन सी आपको पता है और यूरोप है मेडिट्रेनियन सी है वहाँ से बनते हैं और इधर इंडिया की तरफ चल के आते हैं इन्हीं को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं तो जो टेम्परेट साइक्लोन इंडिया में नॉर्थ की तरफ आते हैं उन्हीं को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी तो अभी मैंने आपको ये लिस्ट दी है ये सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं साउथ इंडिया में जितने भी आ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में अभी फेबररी और मार्च के मंथ में बहुत बारिश होगी वो सारी बारिश वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से है वेस्टर्न डिस्टरबेंस कुछ नहीं है टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं दैट्स ऑल आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा श्रीकांत पांडे ये नीचे टेलीग्राम चैनल का नेम लिखा हुआ है इंजीनियर अड्डा एस एस सी जेई करंट अफेयर्स आप उस चैनल को सर्च कीजिए वहाँ पे आपको पुराने पीडीएफ भी मिल जाएंगे और आज वाला पीडीएफ भी जैसे ही क्लास खत्म होगी इमीडिएटली वहाँ पे अपलोड हो जाएगा पीडीएफ से अगर आप देख लेंगे तो आपकी थोड़ी जो रिवीजन uh, है वो फास्ट हो जाएगी ठीक है ओके रिंग ऑफ फायर क्या है वेल well, आपको पता है कि अगर ये रशिया है यहाँ जापान है इधर सब चाइना है कोरिया है देन यहाँ पे ताइवान है आप सबने मैप देखा ही हुआ है ठीक है देन यहाँ पे आपका अलास्का है कैनेडा है यूएसए है अलास्का यूएसए का ही पार्ट है ठीक है और फिर आपका इधर साउथ अमेरिका आ जाता है ठीक है uh, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाता है ये जो आपकी पूरी है दिस इज़ नोन एज पैसिफिक ओशन ठीक है पैसिफिक ओशन की ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जहां पे पैसिफिक ओशन लैंड को जाके टकराती है इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर ये दुनिया का हॉटस्पॉट है अर्थक्वेक्स का और आपके वोल्केनोस का ठीक है ज्वालामुखी सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं रिंग ऑफ फायर में ठीक है ये जो मैंने बना दी ना ये रिंग ऑफ फायर कहलाती है दैट्स ऑल इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है दो वर्ड याद रखने हैं कि ये पैसिफिक ओशन में है ठीक है और सबसे ज्यादा वल्केनो वगैरह और अर्थक्वेक इधर ही आते हैं पैसिफिक ओशन बस वर्ड याद रखिए काफी है अगर अर्थक्वेक यहां आएंगे तो ऑब्वियसली सुनामी भी सबसे ज्यादा इधर ही आएगी ठीक है तो वो तो एक ऑब्वियस सा आंसर हो गया कि अगर अर्थक्वेक है तो सुनामी भी इधर ही होगी ठीक है दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर टाइडल लॉकिंग क्या होती है जब रोटेशन की स्पीड रोटेशनल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड ये आपस में इक्वल हो जाएं उसे हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग आपको पता है ये अर्थ है अर्थ के लेटस से इस तरफ आपका मून है ठीक है और तो आपको पता है कि जो अर्थ का पूरा सी है वो इस तरह से हो जाएगा जो मून की तरफ साइड है वहां पे समंदर चढ़ जाएगा जो मून से कम है वहां पे समंदर नीचे हो जाएगा और जब मून यहाँ पे आ जाएगा फिर समंदर इधर की तरफ हाई टाइड हो जाएगी और इधर की तर, ये दोनों हाई टाइड हो जाएंगे और लेफ्ट और राइट आपका लो टाइड हो जाएगा ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है नौ टाइडल लॉकिंग का मीनिंग क्या होता है इसका मतलब है मून की रोटेशन और मून की रेवोल्यूशन <coughs> ये रेवोल्यूशन है मून की रोटेशन और मून की रेवोल्यूशन आपस में मैच कर गई ओके नोसिन इसका मतलब क्या है लेटस से ये अर्थ है और ये है आपका मून अब मून अगर घूम रहा है तो इसका मतलब है मून सपोज यहां पे होगा तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे है तो सपोज़ मून ऐसा हो गया यहाँ पे है तो सपोज मून ऐसा हो गया ठीक है मून रोटेट भी कर रहा है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या है कि मून की रोटेशन और मून की रेवोल्यूशन एक मैच हो चुकी हैं मैच होने का मतलब है कि मून अगर इधर देखने से ऐसा है तो यहाँ देखने पे भी ऐसा ही है यहाँ देखने पे भी ऐसा ही है यहां देखने पे भी ऐसा ही है यहां देखने पे भी ऐसा ही है ये कब होगा ये तब होगा क्योंकि आपको पता है जो मून है वो अर्थ का फुल एक सर्कल लगा देता है 28 डेज के अंदर और मून जो खुद घूम रहा है अपने एक्सिस पे सपोज वो भी 28 डेज के अंदर हो गया जिस समय ये दोनों 28 28 मैच कर जाएंगे आपको चारों तरफ मून का वही फेस दिखेगा जो आपको दिख रहा है आपको कभी मून घूमा हुआ दिखेगा ही नहीं आपको हर रोज मून का वही सामने से दिखेगा जो हर रोज आप देखते हैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि मून अपनी जगह से घूमा है इसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग और आपने ये चीज बहुत बार देखी आप जब भी मून का देखते हो आपको सामने वाला फेस ही दिखता है ठीक है उसके ऊपर जो भी आपने घोड़े वगैरह देखे होते हैं हॉर्सेस वो सब आपको हर बार वही दिखते हैं दैट इज टाइडल लॉकिंग आई होप टाइडल लॉकिंग के बारे में अब आपको रिविजन करने की जरूरत नहीं है जो भी वहां पर स्टेटमेंट लिखी होगी आप कैच कर ही लोगे की टाइडल लॉकिंग क्या होती है क्योंकि इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो ये थोड़ा मैथमेटिक भी मैंने इसके अंदर बता दिया आपको फाइन नेक्स्ट uh, इंडिया के अंदर आपको पता है कि कोल के चार वैरायटी होती हैं बेस्ट होता है एंथ्रासाइट और सेकंड बेस्ट होता है बिटुमिनस इंडिया के अंदर मैक्सिमम कोल बिटुमिनस ही है एंथ्रासाइट बहुत कम है इंडिया के अंदर और सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है ठीक है ओके okay, सो so ये एक क्वेश्चन आ गया विशु मौर्य का uh, ये अर्थ है ये मून है तो हाई टाइड उस तरफ है जिधर मून है तो आई थिंक विशु का क्वेश्चन ये है कि इस तरफ पानी क्यों उठा बैलेंस करने के लिए तो अर्थ एक तरफ को टेडी हो जाएगी ठीक है अर्थ का बैलेंस तभी बनेगा जब इधर को और इधर को ऑटोमेटिकली अर्थ को बैलेंस भी तो बना के रखना है अर्थ को ये कोई बनाता नहीं है ये बैलेंस नेचुरली बना होता है ठीक है बैलेंस तभी रहेगा अगर दोनों तरफ बराबर होंगे तो ठीक है नेक्स्ट इंडिया uh, दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का सबसे ज्यादा कोल कौन इंपोर्ट करता है चाइना ठीक है सेकेंड नंबर पे इंडिया कोल इंपोर्ट करता है कजाकिस्तान uh, के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम है इंडिया के पास भी यूरेनियम है पर सबसे ज्यादा नहीं है सबसे ज्यादा कजाकिस्तान के पास है अंटार्कटिका के पास बहुत भारी मात्रा में कोल आयरन गोल्ड सिल्वर ऑयल सब कुछ है ठीक है तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि अंटार्कटिका बिल्कुल सुनसान है वहां कोई लोग नहीं रहते करेक्ट वहां कोई एनिमल नहीं है करेक्ट ये करेक्ट नहीं है एनिमल्स हैं वहां पे और अगर कोई कहे कि अंटार्कटिका में किसी तरह का कोई मिनरल नहीं है ये इनकरेक्ट हर मिनरल वहां पे ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है ठीक है सबसे ज्यादा प्लेटिनम अफ्रीका के पास है फाइन देन ओके ये जो पेज है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इस पेज से और नेक्स्ट एक दो पेजेस से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है इस हॉर्नबिल को बचाने के लिए ठीक है याद रखिएगा पक्के हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश दो ही वर्ड आपको यहां से याद रखने हैं मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपको क्या याद रखना है पक्के हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश उसी तरह से संगाई डियर का फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है मणिपुर में एक बहुत फेमस लेक है लोकटक लेक ये एक रामसर साइट भी है ठीक है रामसर साइट इस लोकटक लेक की साउथ की तरफ एक एनिमल पाया जाता है संगई डियर यह मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है और इसके ऊपर एक फेस्टिवल होता है ठीक है एशियाटिक लायन जो है इंडिया में सिर्फ गिर में पाया जाता है आई होप ये आपको क्लियर होगा ठीक है आ, टाइगर का जो सेंसस है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये करते हैं हर चार साल में एक बार करते हैं 2018 में जिन्होंने किया था उस ये कैमरा लगा देते हैं ठीक है कैमरा लगा देते हैं कैमरा ट्रैप उसको हम बोलते हैं जैसे ही उस कैमरे के सामने हलचल होती है तो कैमरा फोटो खींच लेता है बाद में वो सारी फोटो निकालकर हम देख लेते हैं कि किस किस फोटो में टाइगर था तो टाइगर काउंट हो गए और हर टाइगर की एक एक यूनिक निशानी रखी जाती है ताकि कोई टाइगर डबल काउंट ना हो जाए और सबसे ज्यादा कैमरे इस बार लगाए गए थे कैमरे कैमरे का ही गणेश रिकॉर्ड बन गया था 2018 में 2967 टाइगर थे दुनिया के अंदर जितने टाइगर हैं उसका 75% परसेंट इंडिया के अंदर है दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो मैंने आपको रामसर साइट बताया ये क्या होता है रामसर साइट कुछ नहीं जो वेटलैंड होती हैं दलदल टाइप के एरिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक रामसर कन्वेंशन है जिसके अंदर क्या करते हैं उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं बाद में उसके ऊपर कुछ रूल्स कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि आप उसको अब खत्म नहीं कर सकते हो ठीक है सबसे बड़ी जो रामसर साइट है इंडिया के अंदर वो है सुंदरबन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू देन अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपको पता है रेवा मध्य प्रदेश में लगा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सबसे बड़ा है कल को, को दो सोलर पैनल एक्स्ट्रा लगा लेगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोई कभी खत्म नहीं कर सकता वो ये है कि ये दुनिया का पहला प्लांट है जिसने ग्रिड पैरिटी को तोड़ा दिस इज इंपॉर्टेंट और आपका क्योंकि इंजीनियरिंग का एग्जाम है ये कोई जनरल एग्जाम नहीं है क्लर्क का एग्जाम नहीं है इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो ध्यान रखिएगा ग्रिड पैरिटी का मतलब होता है ये पहला सोलर प्लांट है जहाँ से बनने वाली सोलर पैनल से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्राइस है वो हमारी कोल या जो पहले इलेक्ट्रिसिटी चलती है कोल एंड अदर्स उनसे कम हो गया हमारे यहाँ में कोल से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वाटर से मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पे, पे, गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर आती है तो बहुत सारे जगह से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है ये पहला प्लांट है जहां पे सोलर वाली इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इन सबसे कम हो गया वेल well, ये बहुत लोगों को शायद सुनकर हैरानी होगी कि सोलर वाली का तो पहले से कम होना चाहिए था नहीं कम नहीं हो रहा था क्योंकि सोलर तो हालांकि फ्री थी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही थी वो तो फ्री थी सनलाइट बट उस सोलर पैनल को लगाने का खर्चा इतना था कि वो महंगी पड़ रही थी ठीक है अब ये पहला प्लांट है जहां पे वो सस्ती पड़ेगी फिर ही लोग उसको यूज करेंगे ना अगर कर उसका बिल कम आएगा तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े हाइड्रो डैम से बनती है उससे कम विंड से उससे कम सोलर से उससे कम न्यूक्लियर से इंपॉर्टेंट सरल का मतलब है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स ये एक, एक स्कोर हम निकालते हैं स्टेट वाइज हर स्टेट का एक एक स्कोर निकाला जाता है कि, कि किस स्टेट के अंदर सोलर सिस्टम अगर आप अपनी छत के ऊपर लगाना चाहते हैं तो किस स्टेट के अंदर बेटर कंडीशन है लेटेस से आपको आसानी से सारा सामान मिल जाए ऐसा तो नहीं है कि सोलर पैनल दुकान से आप उठा के ले आते हैं आपको कभी दिखते ही नहीं है मार्केट में वो आपको आसानी से वो मिल जाए सोलर पैनल आपको सोलर पैनल का मेंटेनेंस का सब कुछ आसानी से मिल जाए उसके रिपेयर वाले लोग आसानी से मिल जाएं, इंजीनियर आसानी से मिल जाएं, गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प दे रही हो कुछ सब्सिडी दे रही हो आपको कम प्राइस में वो मिल जाए तो ऑब्वियसली उस स्टेट के अंदर लोग सोलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ठीक है तो एक स्कोर दिया गया तो इसमें टॉप किया कर्नाटक में तो कर्नाटक के लोगों कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने कंडीशन इस तरह से बनाई हुई हैं कि वहां के लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं सोलर की तरफ फाइन तो दैट वॉज अगेन इम्पॉर्टेंट दिस इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट सबसे पहले साइट्स के बारे में साइट्स का मीनिंग है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज एक ही वर्ड याद रखना है इंडेंजर्ड स्पीशीज ठीक है जो स्पीशीज खतरे में हैं उनके अंदर ट्रेड उनको खरीदना बेचना उसके बारे में जो रूल्स हैं वो साइट्स के अंदर हैं साइट्स के अंदर तीन अपेंडिक्स होती हैं मतलब तीन लिस्ट हैं लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री ठीक है जो लिस्ट वन लिस्ट टू या लिस्ट थ्री है उसमें अंदर बस ये दिखा है कि ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा खतरे में है इसको कभी इधर उधर खरीदा बेचा ना जाए ये स्पीशीज कम खतरे में है आप कुछ खास कंडीशंस लगाकर चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं ये सब साइट्स के अंदर आता है साइट्स ने ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है माइक ठीक है माइक में ई से याद रखो एलिफेंट काम खत्म ठीक है एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग को रोकने के लिए माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया वेल दैट्स ऑल बेसल कन्वेंशन बहुत फेमस है हजारडस वेस्ट जो होता है ठीक है खतरनाक केमिकल्स क्या करती हैं जो बहुत एडवांस कंट्रीज होती हैं वो क्या करेंगे कुछ भी यूज कर लेंगे और जो डेंजरस मटेरियल उसमें से निकल रहा है वो सब उठाकर जो डेवलपिंग uh, कंट्रीज uh, है वहाँ उठाकर फेंक देंगे इंडिया भी इस चीज़ का बहुत बार शिकार हुआ है कई बार ऐसा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एडवांस कंट्रीज़ ने कोई सामान प्रोड्यूस किया कई सामान बनाते वक्त हार्मफुल मटेरियल्स निकलते हैं उसको उठाया और डेवलपिंग कंट्री में जाकर फेंक दिया ठीक है बेसल कन्वेंशन उसे रोकने के लिए है याद रखेगा सुनामी रेडी प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट यूनेस्को लेके आई है यूनेस्को आपको लग रहा है कि यूनेस्को का सुनामी से क्या लेना देना नहीं सुनामी यूनेस्को लेके आई है ये कुछ नहीं है सुनामी आ जाए उसके लिए रेडी रहो ठीक है दैट्स ऑल सबसे पहले इंडियन ओशन के अंदर जिस देश ने इसको लागू किया वो है इंडिया इंडिया के अंदर ओडिशा जो स्टेट है आपकी सबसे पहले उसने लागू किया इसे ठीक है स्टोकॉम कन्वेंशन ये आपकी प्रजिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स ये क्या होते हैं ये वो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं जो हवा में ही टिके रहते हैं वो नीचे नहीं बैठते जैसे अगर आप डस्ट है धूल है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है परजिस्टेंस मतलब वो नीचे नहीं बैठते वो केमिकली ख़त्म भी नहीं होते ठीक है वो वैसे ही हवा में रहेंगे जैसे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन उनके बारे में है तो प्लीज़ आप लोग वर्ड्स ये याद कर लेना शॉर्ट में मैं पूरा रिपीट कर दूं साइट्स इंडेंजर्ड स्पीशीज तीन अपेंडिक्स माइक एलिफेंट बेसल हजार्डस वेस्ट सुनामी यूनेस्को इंडिया ओडिशा स्टॉकहोम पल्यूशन ठीक है बस इतना याद रखना ये ऑर्गेनिक है ठीक है ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपको पता है केमिस्ट्री वाला ऑर्गेनिक वही है ठीक है देन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज सी एम एस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो बर्ड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं उनके ऊपर ये कन्वेंशन का मतलब एक तरह का कॉन्फ्रेंस है ठीक है ये बॉर्न कन्वेंशन में तैयार हुआ था बॉर्न कन्वेंशन क्या है एक्चुअली बॉर्न एक जगह है जहां पे सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई और उन्होंने बोला कि जो बर्ड्स हर साल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं उन्हें बचाने की जरूरत है उसके बाद क्या हुआ हर एक दो साल के बाद वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक कॉन्फ्रेंस करती हैं उस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को सी भी बोल देते हैं अभी उसकी थर्टींथ मीटिंग हुई थी गांधीनगर में हुई थी गुजरात में इसीलिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने का चांस है देन काटाजीना प्रोटोकॉल काटाजीना प्रोटोकॉल जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी uh, वर्ड याद रखिएगा ठीक है बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब uh, जैसे आजकल सुनने में आ रहा है कि जो कोविड नाइन्टीन का वायरस है वो वायरस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खुद मॉडिफाई करके बनाया गया है तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज़्म होते हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मॉडिफाई किया गया है उनके ऊपर कुछ रूल्स ऐसा नहीं है कि आप बनाइए और उठा के किसी देश में फेंक दीजिए उसके ऊपर क्या रूल्स हैं वो सब काटाजीना प्रोटोकॉल में लिखे हुए हैं क्या ये रूल्स कामयाब हैं हमें नहीं पता ठीक है देन ओके एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपने वर्ड सुना है इको सेंसिटिव जोन ये भी आपने वर्ड सुना है कोस्टल रेगुलेशन जोन सी आरजेड यह भी आपने वर्ड सुना है ये सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बने हैं यहाँ पे ये कोस्टल रेगुलेशन जोन पूछने का चांस है क्योंकि केरला में एक मराडू जगह थी जहां पे कुछ फ्लैट्स बने हुए थे तो तीन बिल्डिंग्स थी उन्होंने क्या किया वहां पे एक समंदर का किनारा है जहां पे वो प्रोटेक्टेड एरिया है सुरक्षित एरिया है वहां पे आप जाके कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं बना सकते वो इन्वायरमेंट के लिए छोड़ा हुआ है कि वहां के जो एनिमल्स हैं वो वहां पे अपना प्रोग्रेस कर सके इसके बगल में ये तो सी है सपोज और ये लैंड है तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी रिवर भी जाती हैं और यहाँ पे कोई लेक भी है ठीक है तो ये जो सारा एरिया है ना ये प्रोटेक्ट किया हुआ है तो जो एरिया प्रोटेक्टेड है उसको मैंने ये ग्रीन के अंदर कवर कर दिया तो ये सारा एरिया सुरक्षित है अभी क्या किया इन लोगों ने क्या किया था ये तो ये रिच पीपल हैं और इन रिच पीपल ने इस ये बहुत ही खूबसूरत एरिया में जाके तीन बिल्डिंग्स बना ली और रहने लग गए बहुत सारे लोग इसमें बहुत फैमिलीज रहती थी ये फ्लैट्स थे ठीक है कि क्योंकि सी व्यू सबको मिल गया लेक का व्यू भी मिल गया रिवर का व्यू भी मिल गया इधर फॉरेस्ट भी है फॉरेस्ट का व्यू भी मिल गया एकदम हाई क्लास बन गया मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ने तीनों बिल्डिंग गिरा दी ठीक है तो ये सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की धज्जियां उड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया ठीक है तो इसलिए क्वेश्चन आने का चांस है इसको मैं मिटाकर आपको एक और चीज बताना चाहता हूं अफ्रीका दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका ठीक है अफ्रीका के अंदर यहां एक बहुत बड़ी डेजर्ट है आप उसका नाम जानते हैं सहारा डेजर्ट इस सहारा डेजर्ट के बगल में ये एरिया है जिसको मैंने रेड में शेड कर दिया इस एरिया को हम बोलते हैं साहेल रीजन साहिल ठीक है अब क्या हो रहा है ये जो सहारा डेजर्ट है ना ये फैल रही है ये उन इलाकों को भी अंदर कवर कर रही है जिन इलाकों में डेजर्ट पहले नहीं थी तो अब हमें क्या करना है सपोज ये सहारा डेजर्ट है ये सपोज सहारा डेजर्ट है आप क्या करो सहारा डेजर्ट के साइड में ऐसे पांच पांच किलोमीटर की चौड़ाई का ऐसा एक फॉरेस्ट बना दो पूरा पेड़ लगा लगा के लगा लगा के अब सहारा इसको पार नहीं कर पाएगी इसको हम बोलते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल ये अफ्रीका में बन रही है ठीक है देन आ, ये एक लिस्ट है जो आपने पहले ही सुनी होगी आ, आपके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूं आर्सेनिक से होती है ब्लैक फूड डिजीज मर्करी से मिनामाटा कैडमियम से इटाई इटाई और नाइट्रेट से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम ठीक है देन मिथाइल आइसोसाइनेट ये वही गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज़ हुई अनदर uh, थिंग जो आप याद रखिएगा वो ये है कि क्रॉप्स जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं इसीलिए इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट uh, के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रीज uh, ही काम के होते हैं बिकॉज जो क्रॉप्स होते हैं ना वो एनवायरनमेंट को इतना बेनिफिट नहीं करते हालांकि देखने में ग्रीन कलर के होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी कर देते हैं एनिमल्स जो होते हैं काउज और बफल काउज खास करके ये मीथेन निकालते हैं राइस जो होता है ना राइस उसके भी खेत में से मीथेन निकलता है ठीक है एंड कीप इन माइंड जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर जो कुछ भी चीज़ खराब हुई है डीकम्पोज हो रही है तो वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं अब नाइट्रोजन के बहुत तरह के ऑक्साइड्स हो सकते हैं हम वर्ड लिख देते हैं एनओ एक्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो फर्टिलाइजर वगैरह की वजह से निकलते हैं सीओडी और बीओडी का मतलब है सी का मतलब है केमिकल और बी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सपोज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आपका वाटर के अंदर ठीक है फ्लोइंग वाटर बहते हुए पानी के अंदर तो उस पोल्यूशन के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं जब वो केमिकल्स टूटेंगे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए अगर बहुत ज़्यादा एलगे वगैरह आ चुकी है वो भी जब खत्म होगी उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ठीक है तो सीओडी का मतलब है कि केमिकल्स को टूटने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए बी का मतलब है कि जो कचरा है उसको डिकम्पोज होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उस पानी को चाहिए इतना मतलब उतना ज़्यादा केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट उसके अंदर है तो आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पता कर सकते हैं कि पोल्यूशन कितना है ठीक है मैं रिपीट कर दूं जितना ज़्यादा केमिकल वेस्ट और जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल वेस्ट आपका ओ, पानी के अंदर होगा उतनी ज़्यादा उस पानी की ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड मेजर करो पॉल्यूशन मेजर हो जाएगा ठीक है और ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा डोंट वरी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ये रिसेंटली हमें पता चला हालांकि पता पहले से था बट ऑफिशियली अभी, अभी अभी आया है कि बिहार में है उसके बाद वेस्ट बंगाल में है उसके बाद केरला में है ठीक है केरला यहाँ नहीं लिखा हुआ है केरला में है इंडिया का ट्वेंटी एरिया फॉरेस्ट के अंदर है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ हमारी बाउंड्री सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है उसके बाद चाइना के साथ उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो अगर कभी कंपेयर करना हो तो सबसे पहले इससे कंपेयर कर लिया करो इससे बाद में कंपेयर करना है ठीक है फिर नेपाल म्यांमार भूटान और सबसे कम हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है आजकल के माहौल के हिसाब से दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो इम्पॉट ये तो आपको पता ही होगा ये दो प्लीज़ याद कर लेना ठीक है देन अगेन दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट सबसे गहरा पॉइंट जो दुनिया के अंदर है न्यूज़ में भी अभी, अभी आया था वो अंटार्क्टिका के अंदर है डेनमैन ग्लेशियर ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट निकल कर आया है कॉन्टिनेंटल अर्थ के ऊपर एल्प्स uh, माउंटेन्स आपके यूरोप में हैं ये न्यूज़ में रहे हैं मैं जोग्राफी कवर नहीं कर रहा हूं मैं वो कवर कर रहा हूं जो न्यूज़ में था तो आने का चांस है इसका हाईएस्ट माउंटेन है माउंट ब्लैंक पता होगा आपको एंडीज माउंटेन्स अमेरिका में है हाइस्ट माउंटेन है आपका एकॉन का माउंट किली मंजारो आपका अफ्रीका में है माउंट विंसन आपका अंटार्क्टिका में है ये जो दोनों मैंने लिखे हैं ये यहाँ यहाँ के हाइएस्ट ही हैं ठीक है थीके? ओके okay, तीन पोर्ट बहुत फेमस है आपके लिए चाबहार पोर्ट ईरान में है इंडिया ने बनाया है इंडिया ने ईरान के अंदर जाके ईरान से अच्छे संबंध थे चाबहार का पोर्ट वहाँ पे जाके बनाया ठीक है चाबहार का मतलब है चारों बहार चारों सीजन चलेगा ये ठीक है चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के अंदर चाइना ने आके बना दिया गवादार ये दोनों एक दूसरे से हार्डली टेन मिनट्स की दूरी पे हैं बगल बगल में बनाए हैं इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार चाइना ने पाकिस्तान के अंदर गवादार पोर्ट श्रीलंका के अंदर एक और पोर्ट है हमन टोटा पोर्ट ये बहुत फेमस है हमन टोटा क्योंकि इसको लेकर भी बहुत न्यूज़ में आता रहा कि चाइना इसके ऊपर पूर पूरा अपना कब्जा कर रहा है या वॉट एवर नाइन्टी के लिए श्रीलंका ने क्या किया कुछ अपने पोर्ट चाइना को 99 नाइन ईयर्स के लिए लीज पे दे दिए कॉन्ट्रैक्ट पे 99 नाइन ईयर्स मतलब ऑलवेज ठीक है तो ये तीन पोर्ट्स बहुत फेमस है देन पोलिनेशिया मिलनेशिया माइक्रोनेशिया ये क्या है uh, मैंने अभी अभी आपको पैसिफिक ओशन का मैप बनाकर दिखाया था एक स्लाइड में कहा गया वो हाँ ये पैसिफिक ओशन का मैप है यहां पे ऐसे बहुत सारी आइलैंड्स हैं ठीक है तो उन आइलैंड्स के एक ग्रुप का पोलिनेशिया एक ग्रुप को माइक्रोनेशिया एक ग्रुप को मिलनेशिया ऐसे बोलते हैं तो आपको यह नहीं याद करना है कि कौन सा कहां पे है बस ये याद रखना है कि यह हैं, ठीक है पोलिनेशिया मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया ये आइलैंड के ग्रुप्स हैं पैसिफिक ओशन के दुनिया के अंदर जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से इंडिया के अंदर चार हॉटस्पॉट आते हैं ये बात आपको पहले ही पता होगी ठीक है ठीक है ये रफली इंडिया बन गया फाइन तो सबसे पहला इंटायर हिमालयन रीजन तो ये हो गया दूसरा इंडोबर्मा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और इधर अंडमान आइलैंड्स हैं ये सब पूरा इधर की कंट्रीज भी आपका म्यांमार भी आपका वियतनाम से लेकर साउथ चाइना तक ये सब एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है ठीक है ये नंबर टू है याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के साथ अंडमान को भी इंक्लूड किया गया है ओके अब अगर मैं इंडिया का एक छोटा मैप बनाऊं ठीक है तो आपको पता है कि ये अंडमान आइलैंड्स हैं ये निकोबार आइलैंड्स हैं ठीक है थेके? याद रखिएगा यहाँ पे आपका इंडोनेशिया आता है फिर यहाँ पे मलेशिया आ जाता है और ये सब जो है ये बे ऑफ बंगाल है ठीक है निको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी लास्ट थर्ड नंबर पर बन ये निकोबार आइलैंड्स और इंडोनेशिया मलेशिया ये सब पार्ट इस सारे को ये अंदर वाला भी सारा बीच में इस सब को मिलाकर निकोबार को बीच में मिलाना है इसको हम बोलते हैं संडरलैंड्स इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संडरलैंड में निकोबार आता है अंडमन नहीं आता है ठीक है ये तीसरा हॉटस्पॉट है चौथा हॉटस्पॉट बहुत फेमस है गैस कर ही लेंगे आप आ, आपकी वेस्टर्न घाट्स और ये श्रीलंका ये नंबर फोर पे आ जाता है ठीक है ये नंबर नहीं याद करना है आपको ये कोई सीक्वेंस नहीं है ऐसे ही है बस ये याद रखना कि लैंड्स जो है ना आपका उसमें निकोबार इंक्लूड हो जाता है ठीक है और साथ में इंडोनेशिया मलेशिया वो सब पार्ट भी आ जाता है ठीक है हाँ अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री लग रही है ना सतनाम सिंह यस अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो आ, आ, रियल में हमारे पास नहीं है एक्चुअली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके तो अफगानिस्तान एक्चुअली इसको यहाँ पे इतना टच करता है ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ईरान आ जाता है ठीक है तो ये ईरान और ये अब वो भी मैं आपको बता दूं कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बनाया है ग्वादार पोर्ट इंडिया ने ईरान के अंदर बगल में ही बना दिया अच्छा पोर्ट ठीक है इच्छा दोनों की क्या है बस इलाका कवर करना चाहते हैं हमारी इच्छा ये है कि हम ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचे हम अफगानिस्तान में क्यों जाना चाहते हैं बिकॉज अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ पे पांच कंट्रीज़ इतनी फेमस आती हैं जिनके साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है उनके पास मिनरल्स गोल्ड सब कुछ बहुत ज़्यादा है ठीक है और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान एंड uh, कौन सी रहेगी किर्गिस्तान ठीक है तो ये वो पांच कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान तो इन इन पांच तक हम पहुंचना चाहते हैं ठीक है चाइना भी इसीलिए ये सब चाइना है ठीक है फाइन तो खैर उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे रखीन स्टेट आपका म्यांमार है यहीं से रोहिंग्या आए हैं थ्री जॉर्जस डैम चाइना के अंतर है यांग से रिवर के ऊपर बना है दुनिया के सबसे बड़ा डैम में से एक माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस ये इतना बड़ा डैम है कि ये नॉर्मल अर्थ है इसने ये डैम यहाँ पे बना हुआ है इस डैम ने पीछे इतना पानी इकट्ठा किया हुआ है कि इसने अर्थ का एक तरफ को टिल्ट कर दिया है अब अर्थ एक तरफ को टिल्ट हो गया तो उससे अर्थ के रोटेशन के अंदर हल्का माइक्रो सेकेंड का चेंज आया है ये इतना बड़ा डैम है ठीक है सो कीप इन माइंड आपकी जो रिवर है टेगरिस और यूफ्रेट्स ये दो रिवर बहुत फेमस टर्की इराक और सीरिया से होती हुई जाती हैं ठीक है वेरी फेमस देन येस मैं वो डिस्प्यूटेड एरिया है डिस्प्यूटेड नहीं आप वर्ड यूज़ कर सकते उसके लिए आप उसको कभी इस लेटर से आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ इंडिया ये नहीं बोलता है कि वो डिस्प्यूटेड जगह है इंडिया बोलता है कि वो हमारी जगह है डिस्प्यूट कोई और कर रहा है ठीक है ब्लैक सी के बॉर्डर पे कौन सी कंट्रीज़ हैं यूक्रेन रशिया जॉर्जिया टर्की बुल्गेरिया रोमानिया कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं रशिया ईरान अजरबैजान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, याद कैसे करें रशिया तो दोनों में कॉमन है उसके बाद जो आपस में राइमिंग राइमिंग है ईरान अजरबैजान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, इन सब के पीछे आन 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 लग रहा है तो ये सारी कैस्पियन सी के पास है कैस्पियन के पीछे भी आन लग रहा है ए एन देखो कैस्पियन सी ठीक है ईरान जान फाइन तो ये कैस्पियन सी के चारों तरफ ये कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी के अंदर दो बहुत मशहूर रिवर्स आती हैं वोल्गा और उरल आ, ब्लैक सी के बॉर्डर पे जो कंट्रीज हैं फिर आप रशिया कॉमन है अगर बाकी सारे ऑप्शन अब आप वहाँ ढूंढ ही लेंगे देखते तो कोई भी आन वाले टाइप का नहीं आता है डेड सी के बगल में इसराइल और जॉर्डन वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं वर्ल्ड ये पूरा वर्ल्ड का मैप है सपोज उसमें आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वाइट सी आएगी फिर ब्लैक सी फिर येलो सी फिर रेड सी ठीक है वाइट एंड ब्लैक एक साथ याद रख लो और रेड लास्ट में आ गया तो येलो ऑटोमेटिक बीच में आ गया ठीक है आपका जो वो रेनबो होता है उसमें भी रेड लास्ट में होता है तो रेड लास्ट में स्टार्टिंग वाइट ब्लैक ऑटोमेटिक येलो बीच में आ गया देखो आपसे कोई ये कभी नहीं पूछता है कि आ, इसका नाम बताओ या ऑर्डर बताओ आपको बस वहां पे आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है आपको अपनी तरफ से आंसर नहीं देना है करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है ये क्या है स्ट्रेट क्या होता है ये, ये पांचों जो मैंने लिखी है ये स्ट्रेट है आ, ये दो अगर वॉटर बॉडीज हैं और यहाँ पे लेटर से लैंड है और इधर भी क्या है लैंड है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सब वाटर वाटर है ब्लू में तो यहां का जो वाटर है वो इन दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट और ऐसे जो दो लैंड को जोड़े उसे हम बोलते हैं इस्थमस दो बड़े लैंड पीस को आपस में जोड़े स्थमस दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़े तो स्ट्रेट आपने बहुत सारी स्ट्रेट्स के बारे में आप जानते ही होंगे कुछ स्ट्रेट्स आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ठीक है वेल well, आपको पता है कि जो वर्ल्ड है वो पूरा गोल है तो ये जो पार्ट है वर्ल्ड का वो जाकर इस तरफ टच होता होगा ठीक है ना तो अगर मैं इसको और इस सारे को हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं ये सब पैसिफिक ओशन है ये सारी एटलांटिक ओशन है ये ऊपर वाला पूरा जो है ये आर्कटिक ओशन है आर्कटिक ओशन और ये है आपका इंडियन ओशन सबसे बड़ी पैसिफिक ओशन है और ये जो दो मैंने आपको एंड्स बना के दिखाए ना ये वाला और ये वाला आपस में जब मिलेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा ये मैं अलास्का ये ये अलास्का बना हुआ है ठीक है ये अलास्का बना है और मैं इधर वाला पार्ट जो है ना ये वाला जो पार्ट है इसको यहां पे जाके बना रहा हूं तो ऐसा कुछ वो बना हुआ है तो अब आपको दिख रहा है कि ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे पैसिफिक ओशन के अंदर एक्चुअली ये बेरिंग सी कहते हैं इसे हम तो यहां पे एक हल्का सा वाटर बॉडी है जो आर्कटिक ओशन को और बेरिंग सी को आपस में जोड़ता है उसी को हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट मलक्का स्ट्रेट देखिए ये इंडिया है आपको पहचान में आ गया होगा इधर इंडोनेशिया है मलेशिया है देखो इधर के वाटर को और इधर के वाटर को यहाँ एक बॉडी है जो आपस में जोड़ती है छोटी सी ये वाटर है ये भी वाटर है उसको हम बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट ठीक है देन सुन्डा जावा सी और इंडियन ओशन ये आपको पता है इंडियन ओशन है इधर जावा सी है इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक हल्की सी वाटर बॉडी है जिसे हम बोलते हैं सुंडा। आई थिंक आप वर्ड से ही गैस कर लेंगे ये ये वही है जहां पे संडरलैंड भी है तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने में जो दो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदाब ठीक है नाउ ये वाला जो पार्ट है ना ओके सो यस ये आपका है यूएई ये है यमन देन ये सऊदी अरब है यहाँ पे ईरान है ये इंडिया है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है चाइना है ठीक है ये इजिप्ट है ठीक है तो आपकी ये है रेड सी ठीक है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन इनको आपस में देखो जो जोड़ जो जो रही है वाटर बॉडी यहाँ पे इसे हम बोलते हैं बाब अल मंदाब वेरी फेमस और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ये पूरा यूरोप है यूरोप से जो भी व्यापार होना है वो मेडिट्रेनियन सी यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्वेज कैनाल स्वेज कैनाल के बाद वो रेड सी और इधर से होता हुआ जिसने इसको कंट्रोल कर लिया उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड है इसीलिए इस एरिया में हमेशा लड़ाई होती है बिकॉज़ ये एरिया तीन दुनिया आपस में जोड़ता है कौन कौन सी देखो ये जो ईरान इराक वाला पूरा एरिया है अफ्रीका को यूरोप को एशिया को आपस में जोड़ता है इसीलिए यहां पे लड़ाई रहती है हमेशा ठीक है तो ये आपका आ गया बाबल बंदा उस तरह से ऐसा ही कुछ यहां पे भी देखने को मिल रहा है ईरान के बगल में ठीक है ऑब्जर्व दिस इज ईरान दिस इज सऊदी अरेबिया ये आपका यूएई है जहां पे आपका दुबई भी है तो इधर इन दोनों को देखो ये दो व्हाइट वाला वाटर है इनको जो आपस में जोड़ रहा है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ठीक है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बाबल एक बार इनको जरूर देख लेना क्वेश्चन आने का चांस जरूर है इसके बारे में ठीक है ओके सो एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं ओके रौनक सिंह स्वेज स्ट्रेट मत बोलो स्वेज स्थमस बोलो क्योंकि जो स्वेज है ना वो इस्थमस वर्ड यूज़ करो ये अफ्रीका है ये एशिया है इनको ये देखो अफ्रीका पूरा का अगर मैं बाउंड्री बनाऊं तो ये पूरा अफ्रीका के चारों तरफ पानी पानी है एशिया के भी चारों तरफ पानी पानी है एशिया और अफ्रीका बस यहां से आपस में जुड़े हुए हैं तो दो लैंड जहां पे जुड़ती हैं उसे हम बोलते हैं इस्थमस तो ये इस्थमस ऑफ स्वेज है ऐसा नहीं है कि स्वेज नाम की कोई स्ट्रेट नहीं है, है। पर आई थिंक आप जिसकी बात कर रहे हो वो इस्थमस ऑफ स्वेज कहा जाएगा ओके okay, ऋतुराज मैराथन क्लास नहीं मैराथन देखो मैराथन क्लास का मतलब है कि आठ दस घंटे का लंबा क्लास चला दूँ पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर दूँ ऑलरेडी ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आ, बहुत छोटी सीरीज है ये बहुत लंबी सीरीज नहीं है ठीक है छः दस ही क्लासेस हैं इसके अंदर आप पुरानी नौ क्लासेस की वीडियो देख लो ये नीचे टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है आप इसको ज्वाइन कर लो आपका काम चल जाएगा ठीक है और आपको बिल्कुल मैराथन की ज़रूरत नहीं है और मैं और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अब टाइम नहीं है किसी भी तरह का कोई क्लास लेने का अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिविज़न पर फोकस करो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया ईरान और अफ़गानिस्तान में जाना चाहता है तो किस जगह पर हम अपना सब कुछ बना रहे हैं बस नाम याद रखने हैं ज़ाहेदान ईरान में डेलाराम अफ़ग़ानिस्तान में ठीक है ये पीछे आन और आन आ रहा है तो जाहेदान ईरान डेलाराम अफगानिस्तान में जो आपकी इंदस रिवर है वो तिब्बत प्लेटू मानसरोवर झील से निकलती है गोदावरी की ये दो ट्रिब्यूटरी हैं बहुत न्यूज़ में रही हैं प्राणहित और इंद्रावती कृष्णा की ये तीन ट्रिब्यूटरी हैं बहुत न्यूज़ में रही हैं तुंगभद्रा याद रखो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना उसके बाद मालप्रभा और घाटप्रभा देन तो प्रभा प्रभा से आई थिंक देखो कृष्णा प्रभु वहाँ से आप प्रभा और प्रभा ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है सबसे लंबी रिवर कृष्णा है फिर महानदी फिर कावेरी इन तीनों में से अदरवाइज इंडिया में सबसे लंबी गंगा है कोलरू लेक जो है ये झील है आपकी <coughs> आंध्र प्रदेश में ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कोलरू लेक है ठीक है इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा तीन ये ट्राइब आपके सामने लिखी हुई है कबीले चंगपा ट्राइब जो है वो लद्दाख में है यही वो लोग हैं जो पश्मीना ऊन यूज करते हैं ठीक है ब्रू ये त्रिपुरा और उसके आसपास के इलाके में ब्रू कबीले के लोग रहते हैं और डोंगरिया कोंड ट्राइब ओडिशा की ये तीन ट्राइब बहुत फेमस हैं इस बार बहुत न्यूज में रही हैं आने के चांसेस हैं ठीक है ओके okay, सो so अब मैं आपका लास्ट पार्ट कवर कर रहा हूँ मैंने आपके साथ एक आर बी और मोनिटरी पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसको मैंने बीच में रोक दिया था जस्ट वन और टू मिनट्स और और फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे ध्यान से सुनिएगा uh, किसी भी मार्केट के अंदर इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो लेक्चर नंबर थ्री को आप देख लीजिएगा ठीक है डिटेल्स सब वहाँ पे है यहाँ पे ब्रीफ रिकैप है वन टू मिनट्स का किसी भी मार्केट के अंदर मनी कितनी होगी वहीं से डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कितना होगा अगर आपको महंगाई कम करनी है तो आप मार्केट में पैसा कम करो वो कैसे हम कम कर सकते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लोन से आता है सब मैंने लेक्चर थ्री में एक्सप्लेन किया था प्लीज़ उसे देख लेना छोटा ही है लोन कम कर दो उसके लिए बैंक ही लोन कम कर सकती है और बैंक को कौन कंट्रोल कर सकता है आरबीआई तो आरबीआई कैसे महंगाई कंट्रोल करती है उसके बारे में ये पूरा लिस्ट है जल्दी से सब लोग ध्यान से सुनिए आरबीआई का टारगेट होता है कि महंगाई फोर प्लस माइनस टू परसेंट यानी कि टू परसेंट से लेकर सिक्स परसेंट के अंदर रहनी चाहिए इस समय टेन परसेंट चल रही है ठीक है तो फिर आरबीआई थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करेगी कि महंगाई कम हो जाए आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है सी और एस क्या होते हैं सी का मतलब होता है कि हर बैंक के पास जितना भी लोगों का पैसा आया है उसमें से कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जाकर जमा करवा दे उसे बोलते हैं सीआरआर लेटर्स से आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करनी है तो आरबीआई क्या करेगी सीआरआर बढ़ा देगी आरबीआई बैंक को क्या बोलेगी जो तुम्हारे पास पैसा लोगों का आता है जमा करवाते हैं वो सब उठाकर मेरे पास जल्दी से दे दो ठीक है ओके जब वो पैसा सारा का सारा आरबीआई के पास चला जाएगा तो क्या होगा बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो ऑटोमेटिक कम लोन मिलेगा कम लोन मिलेगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा महंगाई कंट्रोल हो गई अगला तरीका है एस एसएलआर क्या होता है आरबीआई बैंक को बोलती है कि 100 में से जितने भी पैसा तुम्हारे पास जमा है 4 परसेंट तुम मेरे पास रख लो और 15 परसेंट तुम अपने पास रखोगे इस पैसे को आगे लोन में नहीं दोगे उसको बोलते हैं हम एसएलआर एल स्टैचूटरी लिक्विडिटी ये ऑलरेडी दोनों में डिस्कस कर चुका था मुझे ये बाकी डिस्कस करने हैं तो एस में आर बी आई अगर एस बढ़ा दिया तो इसका मतलब आर बैंक को बोल रही है कि तुम पैसा अपने पास ही रखोगे तुम आगे लोन में नहीं दोगे जब लोन नहीं मिलेगा लोन महंगा हो जाएगा लोन मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर लोन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक महंगा ही होगा ना इसलिए तो मिल नहीं रहा है तो लोन महंगा हो जाएगा लोन मिलेगा नहीं मार्केट में पैसा नहीं आएगा महंगाई अपने आप कम हो जाएगी कभी भी आप देखना अगर न्यूज़ में महंगाई आई है तो अगले महीने न्यूज़ में आ रहा होगा कि सी बढ़ गया या एस बढ़ गया या कुछ और भी ये सब आर के टूल्स हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है अगला है रेपो रेट आ, रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन ये जो बैंक है ना ये आर से लोन ले सकती है और आर जब बैंक को लोन लेती है तो जिस इंटरेस्ट पे देती है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं सपोज़ आर को महंगाई कंट्रोल करनी है तो आर क्या करेगी रेपो रेट को बढ़ा देगी रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा आर जो बैंक को लोन दे रही है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो बैंक को लोन आर से महंगा मिला तो बैंक आगे जो कस्टमर को लोन दे रही है वो भी महंगा उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिर जब उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ठीक है आर कस्टमर लोन लेना नहीं चाहेगा फिर जब इंटरेस्ट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम हो गया महंगाई कंट्रोल में हो गई रिवर्स रेपो रेट जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है उसी तरह से बैंक भी आगे आरबीआई के पास पैसा रख सकती है और उसके ऊपर भी उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक है जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे मिलेगा लेटेस्ट से आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया यानी कि आरबीआई खूब सारा इंटरेस्ट देने को तैयार है तो बैंक क्या करेगी अपना पैसा सारा फटाफट आरबीआई के पास जमा करवा देगी क्योंकि आरबीआई से खूब इंटरेस्ट मिलने वाला अब अगर बैंक ने पैसा आरबीआई को दे दिया तो फिर वो लोन में क्या देगी आगे किसी और को नहीं बचेगा तो लोन नहीं देगी लोन नहीं देगी तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर बढ़ा दो एसएलआर बढ़ा दो रेपो रेट बढ़ा दो रिवर्स रेपो रेट सब बढ़ा दो ये चारों चीज़ें बढ़ा दो महंगाई कंट्रोल में द क्वेश्चन इज कि क्यों ना आरबीआई इसको बढ़ा के ही रखे सबको कम होने ही ना दे कभी हमेशा बढ़ा के रखो इनको बढ़िया से देखो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप लोन महंगा कर दोगे ना तो आपकी इकोनॉमी का जीडीपी एकदम खत्म हो जाएगा क्योंकि अगर लोन नहीं दोगे तो नया फैक्ट्री नहीं खुलेगा नया कंपनी नहीं खुलेगा वो नया प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे, नया सड़क नहीं बनेगा ये सब लोन से ही बनता है जब ये कुछ नहीं बनेगा तो किसी को सैलरी नहीं कोई नया रोज़गार नहीं पैदा हुआ कोई नई सैलरी नहीं मिलेगी तो जैसे ही हम महंगाई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो हमारा जीडीपी भी कम हो जाता है तो इसीलिए हम अगर जी को बढ़ाना चाहते हैं लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो हम थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं अभी क्या हुआ कोविड 19 की वजह से हमारा जी बिल्कुल माइनस ट्वेंटी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ये क्या हो गया ठीक है उस वजह से अब आर ने क्या किया है आर बी रेपो रेट को कम करती गी कम करती गी कम करती गई खूब कम किया आर ने रेपो रेट की जी चल पड़े एक बार जैसे ही जी चला हमारी महंगाई 10 परसेंट पर पहुँच गई महंगाई 10 परसेंट पहुँचने का मतलब है कि पिछले साल जो चीज़ फाइव थाउजेंड रुपीज़ की थी वही चीज़ इस बार पचपन सौ रुपये की हो चुकी है टेन ये बहुत बड़ा इंक्रीज है एक ही साल में पाँच सौ रुपया किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाना तो ये बहुत बड़ा प्राइस है टेन बहुत इन्फ्लेशन होती है तो अब आरबीआई क्या करेगी अब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाना अभी बढ़ाना चालू नहीं किया है पहले तो इसको कम करती जा रही थी कम करती जा रही थी ताकि जीडीपी चल पड़े अब जीडीपी चलने के चांस उनको दिख रहे हैं उनको दिख रहा है कि हाँ जीडीपी लगभग चल पड़ा है उधर से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है तो अब आरबीआई क्या करेगी रेपो रेट को धीरे धीरे बढ़ाना चालू करेगी फिलहाल कम ही करती आ रही थी पिछले डेढ़ साल से लगभग लगातार आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है अभी उसको रोक दिया है और भी आप न्यूज में कुछ समय बाद सुनेंगे कि उसको बढ़ाना चालू कर दिया है। ठीक है आई होप अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इतना पार्ट वीडियो का रिपीट करके सुन लेना आपको समझ में आ जाएगा अगला तरीका है महंगाई कंट्रोल करने का मॉरल सुवेजन मॉरल सुजन मतलब होता है कि आर का जो ले, लेटर से आर के गवर्नर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमें सुनने में आ रहा है कि बैंकें लोन बहुत महंगा दे रही हैं तो हम बैंक को कहना चाहते हैं कि लोन थोड़ा सस्ता कर दो अगर ऐसी कोई वो बात कह रहे हैं तो वो मॉरल्स वेजन है ये भी बहुत असरदार होती है ठीक है देन ये सब रेट चलता है आ, ओके ये क्वेश्चन आया है सब 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 कुछ ठीक है देन डिफरेंट रेट ओके ये रौनक सिंह का क्वेश्चन आया है रिजर्व मनी रिजर्व यही है सी कैश रिजर्व रेशो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो रिजर्व यही होता है डिफरेंट रेट आरबीआई बोल सकती है कि ऐसा करो जिस आदमी ने पेट्रोल कार लेना है उसको लोन दो तुम 18 परसेंट पे और जिस आदमी ने इलेक्ट्रिक वाली कार लेनी है उसे लोन दे दो 10 परसेंट पे ऑटोमेटिक लोन लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ भागना चालू कर देंगे तो आरबीआई कंट्रोल कर सकती है कि लोग क्या खरीदें महंगाई कंट्रोल में आ सकती है जब आप ये कंट्रोल कर रहे हो कि किसने क्या खरीदना है क्या बेचना है तो आप ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल कर लोगे और अगला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट सपोज आपने लेटर से कार खरीदनी है और कार है फाइव लाख की और आपको बैंक बोल रही है कि ऐसा करो 1.5 लाख तुम लगाओ और 3.5 लाख हम लोन देते हैं तो पांच में से डेढ़ लाख तुम लगाओ 3.5 मैं देता हूं आर बोल रहा है कि ऐसा करो मार्जिनल रिक्वायरमेंट थोड़ा उठा दो 1.5 लाख की बजाय बैंक आपको बोले कि ऐसा करो 2.5 लाख तुम दो 2.5 लाख मैं लोन में देता हूं तो अब ऑटोमेटिकली आप आपके, आपके लिए तो महंगी होगी ना कार तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये सब कुछ कर सकती है ठीक है इसी के साथ ये एक महंगाई अभी जो मैंने आपको बताया कि टेन परसेंट है ये क्या है टेन परसेंट ये इस समय चल रहा है सीपीआई ये चल रहा है टेन परसेंट वेल वॉट इज सी पी आई और डब्ल्यू पी आई डब्ल्यू पी आई आपका देखता है कि होलसेल में क्या महंगाई है सीपीआई आपका देखता है कि रिटेल में क्या महंगाई है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर ये जो मैं अभी आपको डेटा दे रहा हूं दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये वाला स्लाइड आरबीआई वाला आप ना भी करो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांस हमेशा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका महंगाई देखता है होलसेल वाले दाम के अंदर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका महंगाई कैलकुलेट करता है मौजूदा दाम के अंदर जो अभी दाम चल रहा है ठीक है जो कंस्टमर को मिल रहा है जो दुकान के अंदर दाम है तो किसी भी चीज़ का आपको पता है होलसेल में सस्ती होती है थोड़ी सी और कस्टमर को थोड़ी महंगी मिलती है तो होलसेल की महंगाई होलसेल प्राइस इंडेक्स से सीपीआई आपका रिटेल रिटेल का मतलब होता है दुकान ठीक है तो ये रिटेल मार्केट और ये हो ये दोनों मंथली निकलते हैं हर मंथ न्यूज़ में होते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है इसको एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है ये जो डब्ल्यू है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि सर्विसेज होलसेल में नहीं बिकती हैं ठीक है मूवी का टिकट होलसेल में नहीं बिकता है सीधा दुकान में बिकता है कुरकुरे का पैकेट होलसेल में बिकता है होलसेल में भी बिकता है दुकान में भी बिकता है लेकिन मूवी की टिकट या होटल में आप खाना खाने जाते हो जो तो होटल का जो आप वहाँ पे अपना प्राइस दे रहे हो पेमेंट कर रहे हो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए होटल में आप रहने गए तो वो चीज़ें होलसेल मार्केट में थोड़ी ना मिलती हैं वो सीधी सीधी कस्टमर को मिलती हैं तो होलसेल में सर्विस इंक्लूड नहीं होता है और इसके अंदर जो फ़ूड का पोर्शन है वो बहुत कम है देखो इंडिया के अंदर आपका बहुत खर्चा फूड के अंदर होता है पर होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड को बहुत कम वेटेज देता है फ़ूड को ज़्यादा कंसिडर नहीं करता है ये जो सी है ये सर्विसेज भी कंसिडर करता है और ये फूड को अच्छा खासा रेशो अच्छा ख़ासा वो फूड का ही इन्फ्लेशन सब्ज़ी कितनी महंगी हो रही है गेहूँ कितना महंगा हो रहा है अच्छा खासा वो अपना आ, जो आ, वेटेज है वो फूड को भी देता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डब्ल्यू हम लोगों के किसी काम का नहीं होता है क्योंकि ये होलसेल मार्केट का इंडेक्स है डब्ल्यू को सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए क्योंकि अगर चीज़ें उनको दिख रहा है कि होलसेल में महंगी हो रही हैं तो रिटेल में यानी कि कस्टमर को तो ऑलरेडी अपने आप महंगी मिलेंगी तो गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है Uh, हमारे काम का जो होता है वो सीपीआई होता है अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो आपको सचमुच में आपको दुकान के अंदर चीजें महंगी होती हुई दिखेंगी सीपीआई uh, पी से आप ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई को जो टारगेट दिया हुआ ना कि टू परसेंट से सिक्स परसेंट के अंदर रखना है वो सीपीआई को रखने का कहा गया है ठीक है कीप दिस इन माइंड देन महंगाई के ऊपर किस किस चीज का कंट्रोल हो सकता है पॉपुलेशन आपकी महंगाई पर असर डालती है टेस्ट और फैशन तो ये कुछ लिस्ट मैंने रखी हुई है किन किन चीज़ों से महंगाई बढ़ सकती है देखो पॉपुलेशन इंडिया में आपको पता है महंगाई के ऊपर बहुत इसका इंपॉर्टेंस होता है टेस्ट और fashion, आप फैशन आप ज़्यादा फैशन करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी मिलेंगी आपको ब्लैक मनी अगर जिस देश में ब्लैक मनी ज़्यादा होगी उस देश में महंगाई भी ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि लेटेस्ट से आप कुछ खरीदने गए थे हंड्रेड रुपीज़ का ये आपकी लीगल मनी थी एक आदमी आया ब्लैक मनी वाला वो बोला कि लो मैं इसको थाउजेंड में ख़रीदता हूं तो आपके हाथ से तो गई ना वो चीज़ तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ गई अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप फिर ज्यादा दाम लगा सकते हैं महंगाई बढ़ जाएगी मौसम में गड़बड़ हो गई गेहूं की फसल आने वाली थी मौसम ऐसा हुआ कि गेहूं की फसल खराब हो गई अब गेहूं महंगा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना सड़कें ऐसी हैं कि ट्रक के सारे पार्ट ही टूट जाते हैं सड़क पर चलते हुए तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो चीजें महंगी होंगी मनी सप्लाई आरबीआई इसी को तो कंट्रोल करती है महंगाई के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है क्या लोग जैसे अभी क्या करते हैं कई बार आप सुनते हो कि प्याज लोग इकट्ठा करके गोडाउन में जमा कर लेते हैं उससे क्या होता है कि प्याज महंगा हो जाता है क्रिटिकल इम्पोर्ट्स क्रिटिकल इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल कच्चा तेल हम बाहर से लेते हैं अगर ये महंगा हो गया तो इंडिया के अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ महंगा हो जाएगा ठीक है गवर्नमेंट ने आज ही मैंने आपको बताया एमएसपी गवर्नमेंट ने एमएसपी उठा दिया तो रेट ऑटोमेटिक सबके महंगे हर चीज़ महंगी हो जाएगी ठीक है तो ये सब एक लिस्ट है आपको लिस्ट के अंदर डिटेल में नहीं जाना है एक्चुअली लिस्ट देने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन सी चीज महंगाई को कंट्रोल कर सकती है महंगाई इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है आंसर हमेशा ऑल ऑफ दीज ही होगा ठीक है बिकॉज हर चीज महंगाई के ऊपर कुछ ना कुछ असर डालती है ठीक है देन वी कम टू एक्सचेंज रेट एक होता है आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होता है आपका रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही वो रेट है जो आप सुनते हो कि रुपीज सेवेंटी पर डॉलर ठीक है ओके नौ एक आपका एक्सचेंज रेट होता है एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर अस से मैंने एक बास्केट लिया उस बास्केट के अंदर एक एप्पल रखा एक मैंगो रखा एक लीटर डीजल रख लिया एक ब्रेड का पैकेट रख लिया एंड सो ऑन ये कुछ कॉमन चीज़ें रख ली जो इंडिया के लोग भी यूज़ करते हैं और जो यूएस के लोग भी यूज़ करते हैं ध्यान से सुनिएगा ठीक है इंडिया और यूएस दोनों के लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं मैंने क्या देखा ये जो बास्केट है ये इंडिया में थर्टी रुपीज़ की मिल रही है एक एप्पल एक मैंगो ठीक है ऐसे यूएस के अंदर जाके चेक किया तो ये वहां पे वन डॉलर की मिल रही है तो इसका मतलब यूएस का वन डॉलर इंडिया के थर्टी रुपीज़ के इक्वल है इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डॉलर आप तीस रुपए लेके जाओ मार्केट में और आपको वहां से एक डॉलर मिल जाएगा नहीं आपको मार्केट से एक डॉलर लेना तो सेवेंटी रुपीज़ देना पड़ेगा तो ये दो एक्सचेंज रेट होते हैं रियल एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर ये एक्सचेंज रेट किसी काम का नहीं होता ये तो सिर्फ पॉलिसी के लिए है आपकी जानकारी के लिए है आपको एक्चुअल में अगर डॉलर और रुपी आपस में एक्सचेंज करवाने हैं तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे होगा ठीक है अब क्वेश्चन अस से हम सुनते हैं कि रुपया 70 से अचानक 75 पे चला गया अब आरबीआई को क्या करना है कि इसको वापस खींचकर 70 पे लेके आना अब ऐसा हुआ क्यों ये 70 से 75 क्यों चला गया या फिर ये एक्सचेंज रेट कौन तय करता है कैसे तय होता है अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा एक ही बार में होगा बिल्कुल पूरा फोकस यहीं पर रखना ठीक है लेटेस्ट से कोई भी कंट्री है इंडिया इसमें कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती होंगी और कुछ चीजें इसमें इंपोर्ट होती होंगी ठीक है इंपोर्ट फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल कच्चा तेल इंडिया इंपोर्ट करता है लेटर से एक आदमी है उसने कुछ कच्चा तेल लिया और इंडिया के अंदर लेकर पहुंच गया ठीक है उसने इंडिया के लोगों को वो कच्चा तेल दे दिया ठीक है वो कौन है आदमी ये लेटर से कोई कंपनी है और इसने कच्चा तेल कहाँ से लिया सऊदी अरब से तो अब आप इस कंपनी को पेमेंट किस में करोगे रुपीज़ में कि डॉलर में आप चाहे किसी में भी करने की कोशिश करो ये कंपनी कहेगी मैं रुपीज़ को बाहर ले जाकर क्या करूंगी दुनिया पूरी में तो डॉलर चलता है तो कंपनी आपको बोलेगी कि आपको अगर तेल चाहिए तो मुझे बदले में डॉलर चाहिए तो अब आप आपके कंट्री अब आपकी कंट्री जो है उसको डॉलर में पे करेगी ठीक है उल्टा भी हो सकता है इंडिया ने किसी देश को कुछ एक्सपोर्ट किया वो देश इंडिया को डॉलर में पेमेंट कर रहा है हमने डॉलर क्या करने हैं हमें तो इंडिया के अंदर क्या चाहिए रुपीज़ चाहिए ना बाहर देना है तो डॉलर देना है अंदर लेके आना है तो रुपयी लेके आना है अब यहीं से डिमांड और सप्लाई पैदा होगी कैसे होगी लेटर से कोई आदमी बाहर से कच्चा तेल लेकर आता है आपने उसको हंड्रेड रुपीज़ दे दिए वो आदमी बोलेगा कि हंड्रेड रुपीज़ तो मेरे किसी काम के नहीं है बाहर तो वो आदमी ऐसे जगह जगह घूमेगा कि मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ हैं भाई कोई मुझे डॉलर दे दो इसके बदले में अगर तो सपोज़ बहुत लोगों के पास डॉलर हैं तो उसको हंड्रेड रुपीज़ के बदले में सपोज पांच डॉलर मिल गए ठीक है इसका मतलब बीस रुपए का एक डॉलर हो गया लेटर से वो आदमी वो हंड्रेड रुपीज़ लेके घूम रहा है कि भाई मुझे कोई डॉलर दे दो और सिर्फ एक ही आदमी के पास डॉलर है वो आदमी बोलेगा ठीक है हंड्रेड रुपीज़ के बदले मैं तुझे सिर्फ एक ही डॉलर दूंगा तो अब आप बोल दोगे कि हंड्रेड रुपीज़ का एक डॉलर हो गया तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई है सो द क्वेश्चन इज कि अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने लग जाएगा हम बहुत ज़्यादा बाहर से कच्चा तेल इम्पोर्ट 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 ही करते रहेंगे तो क्या होगा आप रुपीज़ में दोगे वो आदमी रुपीज लेके जगह जगह डॉलर ढूंढता फिरेगा उसे डॉलर मिलेंगे नहीं डॉलर जो मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका एक्सचेंज रेट है वो गिरने लग जाएगा आप बोलोगे कि रुपया सत्तर से गिर गया पचहत्तर पे चला गया और गिर गया अस्सी पे चला गया गिरने का मतलब है कि ये नंबर बढ़ता जा रहा है ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया है हम रुपीज़ और डॉलर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं लेटर से उल्टा भी आप देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सुनिएगा ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा आपने एक्सपोर्ट किया कुछ आप इंडिया के आदमी हैं आपने क्या किया आपने कोई मशीन बनाई और जाकर वो मशीन आपने किसी कंट्री लेटर से ईरान को दे दी ईरान ने आपको डॉलर में पेमेंट किया अब आप वो डॉलर लेकर इंडिया में आ गए और अब आप वो एक डॉलर आपके हाथ में है इंडिया में तो डॉलर चलेगा नहीं अब आप डॉलर लेकर जगह जगह चल रहे होगी किसी को ये डॉलर चाहिए ले लो और मुझे बदले में रुपीज़ दे दो अगर तो इंडिया के अंदर बहुत रुपीज़ हुए ठीक है तो आपको डॉलर के बदले में आसानी से रुपीज़ मिल जाएंगे ठीक है और अगर इंडिया के अंदर रुपीज़ की कमी हुई तो अब आपको डॉलर के बदले में बहुत मुश्किल से रुपीज़ मिलेंगे तो इसी से तय हो जाता है कि एक डॉलर के कितने रुपीज़ होंगे एक रुपीज़ का कितना डॉलर होगा ठीक है तो आ, कुछ भी जो अभी मैंने बताया इसमें आपके याद करने वाला कुछ नहीं है सिर्फ एक लॉजिक समझना था कि एक्सचेंज रेट तय कैसे होता है अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से है वो मैं अब लिख रहा हूं आपको और कुछ याद नहीं करना है एक्सचेंज रेट में केवल यही चीज याद करके जानी है लेटर से सेवेंटी रुपीज हैं एक डॉलर के अंदर और ये बढ़कर एट्टी रुपीज हो गया क्वेश्चन किसको फायदा होगा एक्सपोर्टर को कि इंपोर्टर को जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है सामान बाहर भेज रहा है उसे फ़ायदा होगा या जो आदमी इंपोर्ट कर रहा है बाहर से कच्चा तेल खरीद रहा है उसे फ़ायदा होगा तो लेटेस्ट चेक एक्सपोर्टर को बाहर से पेमेंट हो रही है डॉलर में पहले उसे एक डॉलर के बदले में सत्तर रुपये बन रहे थे अब उसे अस्सी रुपये बन रहे हैं तो जो एक्सपोर्टर है वो तो बहुत खुश हो जाएगा इंपोर्टर बहुत दुखी हो जाएगा क्योंकि इंपोर्टर को अगर कच्चा तेल खरीदा एक डॉलर का तो इम्पोर्टर पहले उसे सत्तर रुपए दे रहा था तब जाके एक डॉलर बन रहा था अब उसी कच्चे तेल के बदले में अस्सी रुपए देना पड़ रहा है तब जाके एक डॉलर बन रहा है तो इम्पोर्टर दुखी हो जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा इसको बढ़ाने की तरफ कोशिश करती है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा इम्पोर्ट कम हो तो आप में से जो लोग सुनते ना कि पहले जी हमारे तीन रुपए का होता था एक डॉलर फिर बीस रुपए का हो गया फिर चालीस रुपए का हो गया फिर पता नहीं 1991 में एक टीम आई उसने पता नहीं क्या क्या करके इसको 40 से उठाकर 70 पे और कर दिया तो आपका रुपया कोई कमज़ोर नहीं हुआ है कभी जापान का चेक कर लेना जापान का हमसे भी नीचे होता है तो क्या जापान कमज़ोर कंट्री है नो वो सिर्फ सोच है और मीडिया कुछ खास करके है क्योंकि मीडिया ये नहीं बोलता है कि सत्तर से अस्सी हुआ बोलता है कि रुपया गिर गया इसमें गिरा क्या गवर्नमेंट खुद करती है ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो गवर्नमेंट खुद ये करती है ठीक है पर हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कर सकते क्योंकि हमें कच्चा तेल भी चाहिए हम ज़्यादा ही कच्चा तेल महंगा कर बैठेंगे तो फिर उससे भी नुकसान हो जाएगा आई होप आपको क्लियर हो ठीक है देन लेटेस्ट से ये सिक्सटी रुपीज़ पर डॉलर हो गया तो इससे एक्सपोर्टर को नुकसान हो जाएगा इंपोर्टर बहुत खुश होगा ठीक है क्योंकि पहले इंपोर्टर को सत्तर रुपए देने पड़ रहे थे डॉलर के बदले अब सिर्फ साठ से काम चल गया और एक्सपोर्टर जब बाहर से डॉलर लेके आ रहा था तो उसको जहां पे एक डॉलर के सेवेंटी बने तब सिर्फ सिक्सटी बन रहे हैं तो ये आदमी दुखी होगा तो हम कभी ये नहीं चाहते अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप खुश हो जाएंगे अगर एक रुपया और एक डॉलर इक्वल हो जाए तो ये कोई ताकत दिखाने का तरीका थोड़ी ना है ताकत दिखानी है तो जी में दिखाओ गरीबी खत्म करके दिखाओ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के दिखाओ जापान का तो हमसे भी नीचे है ठीक है तो ये ताकत नहीं होती है ये तो बिल्कुल ही कोरा का कोरा बिल्कुल 100% लॉस हो जाएगा हमारा इसमें क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री हैं जहां हम इंपोर्ट बहुत करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमें एक्सपोर्ट कम करते हैं हम सब चीज़ें बाहर से लेकर ही आते हैं तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है उसके लिए हमें इसे और कम करना है वेल well, अगर हम ऐसा लगातार करेंगे ना हम खुद भी कर सकते हैं चाइना खुद करता है चाइना क्या करता है अपनी करेंसी को खुद गिरा देता है ये करेंसी गिर गई है चाइना खुद गिरा देता है अपनी करेंसी ताकि उसके एक्सपोर्ट को फ़ायदा हो जाए क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट वाली कंट्री है वो सब कंट्रीज़ को सामान भेजती है तो इंडिया में याद रखिएगा हम चाहते तो ये हैं पर हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं गवर्नमेंट अगर चाहे आर अगर चाहे तो खुद उठा के इसको गिरा सकती है ठीक है पर नहीं करते हैं क्योंकि आप इतना भी अगर करने लग जाओगे तो लोगों का आपकी कंट्री से विश्वास उठ जाएगा ठीक है तो हम मार्केट को ही खुद कंट्रोल करने को कहते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा हो तो आर कभी का भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है आमतौर पर हम गवर्नमेंट और आर इसमें इंटरफेयर नहीं करते इसको अपनी तरफ से रहने देते हैं कि देखो भाई एक्सपोर्टर को डॉलर देना है और इम्पोर्टर को डॉलर लेना है ये लोग आपस में तय कर लें कैसा एक्सचेंज रेट रखना है ठीक है देन आपका जो बजट होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार करती है ये बात याद रखना बजट के अंदर जितने भी खर्चे लिखे होते हैं दो तरह के खर्चे होते हैं एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चे होते हैं सैलरी दे दो पेंशन दे दो ये सब डे टू डे खर्चे होते हैं एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कोई प्रॉफिट निकल कर आए सपोज हम रोड बना रहे हैं हम ब्रिज बना रहे हैं हम रेलवे बना रहे हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा इधर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है किसी को आप सैलरी दे रहे हो तो उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आपको ठीक है तो रोज़ाना के जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये हाँ इंडिया के बजट में सबसे बड़ी जो हमेशा कमी रही है वो ये कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कर, कम करते हैं हम लोन लेते हैं देखो लोन को आपको चुकाना भी होता है इंटरेस्ट लेकर गवर्नमेंट लोन लेती है और गवर्नमेंट अगर उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो कुछ पैसा कमाएगी कुछ अपने पास रखेगी बाकी लोन चुका देगी पर हमारे उल्टा हो रहा है गवर्नमेंट लोन लेके अपने रोज़ाना के खर्चे निकाल रही है सपोज़ आप लोन ले रहे हो गवर्नमेंट से उस लोन से आपने एक शॉप खोल ली और दूसरा ऑप्शन है उस लोन से आपने पार्टी कर ली तो कौन सा लोन बेनिफिट का है ये लोन तो आपका बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम हो गया ना ये आपके जो रोज़ाना के खर्चे थे खाना वाना वो लोन से पूरा करोगे तो लोन चुकाओगे कहाँ से कोशिश की जानी चाहिए कि लोन से जो पैसा आए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाए रेवेन्यू में नहीं ठीक है तो कैपिटल और रेवेन्यू आप याद रखना कैपिटल वो जो प्रॉफिट दे सके रेवेन्यू वो जो प्रॉफिट ना देता हो ठीक है नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे आ गया हम ब्लैक मनी ब्लैक मनी वो होती है जो या तो इलीगल हो या फिर अनरिपोर्टेड हो इलीगल और अनरिपोर्टेड। रिपोर्टिड अगर मनी लीगल है प्लस अनरिपोर्टेड है देखो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो ब्लैक मनी हो जाएगी या फिर इलीगल है और रिपोर्टेड है तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों ब्लैक मनी है आंसर इज यस दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये लीगल है पर अनरिपोर्टेड है यस yes, ये ब्लैक मनी है ये रिपोर्ट तो की पर यह इ है तो ये भी ब्लैक मनी है वेल well, इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ पहले इलीगल भी और अनरिपोर्टेड भी लेटर से कोई पर्सन ड्रग्स से कुछ पैसा कमा रहा है और वो गवर्नमेंट को बता भी नहीं रहा कि मैंने कमाया तो वो ये इलीगल भी है और अनरिपोर्टेड भी है ब्लैक मनी हो गई ठीक है लेटर से कोई पर्सन है कोई डॉक्टर है वो लीगल तरीके से पैसा कमा रहा है पर वो टैक्स नहीं भर रहा है तो वो लीगल तो है डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो ये लीगल काम है कोई इलीगल काम थोड़ी ना है पर वो उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा है रिपोर्ट नहीं कर रहा ये भी ब्लैक मनी है लेटर से कोई आदमी ड्रग्स का काम कर रहा है तो इलीगल काम कर रहा है पर टैक्स भर रहा है टैक्स तो भर रहा है पर पैसा ड्रग्स से कमा रहा है तो ये इलीगल है हालांकि रिपोर्ट कर दिया उसने ये भी ब्लैक मनी है ठीक है चाहे इलीगल हो चाहे अनरिपोर्टेड हो दोनों मनी आपकी ब्लैक मनी होती हैं क्वेश्चन अगर आएगा तो इस बात को इस लॉजिक को लेकर आएगा ये ब्लैक मनी वाला अगर ना समझ में आया हो तो मुझे बता देना मैं आपको बता दूंगा uh, हम आई uh, थिंक ये लास्ट टॉपिक है हमारा यस yes, ये लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट कहीं भी आपको और आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स शेयर क्या होता है आप जैसे ही किसी कंपनी के अंदर शेयर डालते हैं तो लेटस से आपने हंड्रेड रुपीज़ का शेयर डाल दिया अब पता चला कि वो जो कंपनी है वो थाउजेंड रुपीज़ की है तो आपने क्या किया आपने टेन परसेंट शेयर डाल दिया अब ये कंपनी लेटर से फिफ्टी रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है तो उसका टेन परसेंट रुपीज़ फाइव आपको मिल जाएगा दिस इज़ नोन एज शेयर आप कितने भी शेयर इस कंपनी के रख सकते हैं 10% परसेंट जितना वो कंपनी देना चाहती है उतना शेयर आप रख सकते हैं लॉस हुआ तो भी आपको झेलना पड़ेगा ठीक है फाइन बॉन्ड्स अगर लॉस हो गया तो टेन परसेंट लॉस भी फिर आपका बॉन्ड्स क्या होते हैं बॉन्ड्स शेयर से थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं क्या होता है कंपनी बोल रही है आपको ये देखो शेयर पे तो कंडीशन है ना अगर पचास रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पाँच रुपये प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर साठ का प्रॉफिट हुआ तो छः रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा ये तो कंडीशन है रिस्क है यहाँ पर बॉन्ड में क्या कर रही है कंपनी आपको बोल रही है कि आप मुझे हंड्रेड रुपीज़ दो मैं आपको थ्री इयर्स के बाद रुपीज़ वन हंड्रेड एंड थर्टी रिटर्न कर दूंगी अगर कंपनी ने बोल दिया कि गिव मी हंड्रेड रुपीज़ आफ्टर थ्री इयर्स आई विल गिव यू वो गारंटी दे रहा है कि मैं तीन सौ तीस दूंगा अब आप ये नहीं कह सकते हो कंपनी को यार तुमने तो बहुत प्रॉफिट कमाया मुझे वन हंड्रेड फोर्टी दे दो नहीं कंपनी लॉस में चलेगी तो आपको बोल रही यार ऐसा करो सिर्फ वन हंड्रेड टेन रख लो नहीं एग्जैक्ट इतना ही देना पड़ेगा ये कहीं कही ना कहीं लोन जैसा ही हो गया कुछ लोन में आप कंपनी को पूछते थोड़ी ना हो कि प्रॉफिट हुआ तो चलो थोड़ा कम ज़्यादा इंटरेस्ट दे दो और लॉस होगा तो थो थोड़ा कम इंटरेस्ट दे, दे देना ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो बॉन्ड के अंदर फिक्सड होता है और शेयर के अंदर थोड़ा सा रिस्क बॉन्ड भी रिस्क हो सकता है वो कंपनी बंद हो गई फिर आपका बॉन्ड कौन चुकाएगा कोई भी नहीं ठीक है सबसे सेफ बॉन्ड किसके होते हैं सबसे सेफ बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के और इन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत बार ये वर्ड आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है तो गवर्नमेंट से ये जो सब है ना शेयर्स और बॉन्ड्स इन सबको हम सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं यहां पे आपका पैसा कुछ रिस्क के साथ सिक्योर रहता है या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसा कमा रहे हो ठीक है फिर आप आजकल सुनते हो म्यूचुअल फंड ये क्या है देखो ये जो बॉन्ड और शेयर मार्केट है आप ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास हंड्रेड रुपीज़ हैं तो आप उठा के किसी भी कंपनी में जाके लगा दो आप पहले चेक तो करो वो कंपनी ढंग की है कि नहीं क्या वो कंपनी अच्छे से काम कर रही है क्या वो कंपनी एथिकली काम करती है कहीं वो कंपनी बोगस तो नहीं है फेक तो नहीं है लेकिन हम लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है क्या आप किसी कंपनी का नाम सुन के एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये तीन साल के बाद कितना प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं कमा पाएगी नहीं बता सकते उसके लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए जिन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की हो इकोनॉमिक्स समझाओ शेयर्स और बॉन्ड सिर्फ इतना ही नहीं होता जितना मैंने बोल दिया बहुत डिटेल में होता है जैसे हम लोगों का अपना अपना इंजीनियरिंग होता है तो जैसे उनके लिए तो है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि मशीन चला लो बस हो गया मैकेनिकल पर हमें पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ मशीन चलाना नहीं है हमें पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ब्रिज बनाना नहीं है तो उसी तरह से शेयर्स एंड बॉन्ड्स डेप्थ में हैं जिन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये शेयर क्या होता है बॉन्ड क्या होता है सब डिटेल में जानते हैं वो क्या करते हैं एक फ़ंड बना लेते हैं ये फंड बना लिया आपको बोला कि आप ऐसा करो सौ रुपये अपना इसमें डाल दो दूसरे को बोला कि आपके पास थाउजेंड रुपीज़ है आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो जैसे हम लोगों में से सपोज़ हम लोग वन वन लाख रुपीज़ शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं हमें पता नहीं है कि, कि किस कंपनी का शेयर खरीदें कहाँ से बॉन्ड खरीदें तो हम क्या करेंगे अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को दे देंगे ठीक है म्यूचुअल फंड वाला सबका पैसा इकट्ठा करेगा ये एक्सपर्ट आदमी है ये सारा दिन यही काम करता है ये उस पैसे को उठाएंगे और जाकर शेयर बॉन्ड्स सब कुछ खरीद लेंगे खरीद कर जो आपका प्रॉफिट बनेगा आपको आपका दे देंगे खुद कुछ कमीशन रख लेंगे दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड आई होप आपको म्यूचुअल फंड क्लियर हो जाएगा वेल well, इस सब को रेगुलेट कौन करता है रूल कौन बनाता है इस सब को कंट्रोल कौन करता है आंसर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सारे रूल बनाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही इसको सब बॉन्ड मार्केट शेयर मार्केट सबको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है अगर आपकी नॉन टेक थोड़ी स्ट्रांग है तो आप सेबी का एग्जाम भी दे सकते हो ठीक है सेबी में भी जाके लग सकते हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेकिन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है ना गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उनके ऊपर सेबी रूल्स नहीं बना सकता इनको आर कंट्रोल करता है सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड को आर कंट्रोल करता है बाकी प्राइवेट जितने भी बॉन्ड्स और शेयर्स और सब चलते हैं इन सबको सेबी कंट्रोल करता है ठीक है नाउ लेटस से कोई कंपनी है कंपनी एक्स ठीक है तो ये कंपनी लोगों को शेयर या बॉन्ड्स से पैसा लेना चाहती है ये कंपनी लोगों को कहना चाहती है कि तुम मेरा बॉन्ड ले लो हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ का और तीन साल बाद मैं तुमको वन हंड्रेड थर्टी रुपीज़ लौटा दूंगी तो लोगों को इस कंपनी ने बोल दिया ये बॉन्ड दे रही है लेटेस से शेयर भी हो सकता है बॉन्ड भी हो सकता है कुछ भी शेयर में वो एग्जैक्ट नहीं बताएगी कितना प्रॉफिट दूंगी मैं बॉन्ड में बता देगी कंपनी फाइन लेटस से ध्यान से सुनिएगा हंड्रेड uh, रुपीज़ और ये वन थर्टी रुपीज़ उन्होंने uh, कह दिया अब ये कंपनी कोई भी ऐसे रैंडम कंपनी है मैंने कंपनी खोल ली ठीक है मैंने कंपनी खोल लिया एस एस वी लिमिटेड ये मेरा नाम से ही है ठीक है एस एस वी लिमिटेड मैंने कंपनी खोल ली ठीक है अब आप लोग ट्रस्ट करोगे नया कंपनी है क्या पता उधर से एक बोल रहा है टाटा टाटा आके बोल रहा है कि हंड्रेड दो मैं तुम्हें वन हंड्रेड फाइव दूंगा और एस एस वी लिमिटेड बोल रहा है कि हंड्रेड दो 130 दोगे आपको पता है कि एस में ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन तब भी आप टाटा को जाके पैसा दोगे क्योंकि आपको पता है कि टाटा क्या है सेफ है उसी तरह से हमने एक लिस्ट रेडी करनी होती है कि कौन कौन सी कंपनी है वो सेफ है और कौन कौन सी नहीं है जो नहीं है वो सारी लिस्ट के बाहर है ये डॉट डॉट से मैंने दिखा दिया ये सारी कंपनीज हैं लिस्ट के बाहर और जो कंपनी सेफ है वो इस लिस्ट के अंदर उनका नाम लिखा हुआ है ये कौन तय करता है कि कंपनी सेफ है कि नहीं है ये सेफ भी तय करेगा कुछ रूल बना देगा कंपनी को बोलेगा कि तुम अपना सारा डाटा हमें दो हम तुम्हारी बैलेंस शीट देखते हैं देखते हैं कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो और वहाँ से हम तय कर देंगे कि तुम सेफ हो कि नहीं हो और अगर तुम सेफ हो तो तुम्हें हम इस लिस्ट के अंदर रख लेंगे जो कंपनी इस लिस्ट के अंदर रखी जाएगी उस कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी जो कंपनी इस लिस्ट में नहीं होती उन्हें बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी दोनों से आप शेयर और बॉन्ड खरीद सकते हो ये अनलिस्टेड कंपनियां आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं पर इनकी गारंटी नहीं होती कि प्रॉफिट देंगी कि नहीं देंगी अगर देंगी तो ज़्यादा देंगी ये जो हैं ये सेफ़ हैं पर ये कम प्रॉफिट देती हैं फिर ठीक है तो जो लिस्ट में कंपनीज होती हैं उनको हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं ये जो कंपनीज इस लिस्ट में लिखी हुई हैं आप इन कंपनीज के अगर शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो तो इंडिया में दो जगह पे इनके बॉन्ड्स या शेयर्स मिलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और भी हैं पर वो छोटे छोटे हैं फेमस नहीं हैं ये दो सबसे ज़्यादा फेमस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई अब वहाँ पर जाकर इस लिस्ट इस लिस्ट में से आप कुछ भी इस लिस्ट वाली कंपनीज के बारे में कर सकते हैं लिस्ट के बाहर तो आप खुद कंपनी के पास जाइए बोलो भाई मैं तुम्हारे शेयर डालता हूं देखो कितना प्रॉफिट दोगे मुझे तो आप बाहर से भी कर सकते हैं एन और बी में जाकर आप इन कंपनीज अच्छा ये कंपनियाँ का एवरेज निकाल लेते हैं हम ठीक है ध्यान से सुनना आ, मैं इसको इरेज कर दूं एक पार्ट को और लास्ट पार्ट पे हम लोग हम इन कंपनीज़ के प्रॉफिट की एवरेज निकालते हैं एनएससी क्या करता है इस लिस्ट के अंदर टॉप फिफ्टी ले लेता है और इनका एवरेज निकाल के देखता है कि इनका प्रॉफिट 10% परसेंट एवरेज बढ़ रहा है 20% परसेंट बढ़ रहा है कितना परसेंट बढ़ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले क्या करते हैं टॉप 30 लेते हैं उस लिस्ट में से उनके प्रॉफिट का या लॉस का प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है ना तो एवरेज निकाल लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एवरेज निकालता है उसे हम बोलते हैं निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एवरेज निकालता है उसे हम बोलते हैं सेंसेक्स तो अगर सेंसेक्स गिर रहा है इसका मतलब टॉप थर्टी कंपनीज का शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है और अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब टॉप थर्टी कंपनीज का शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है बढ़ रहा है उनका कैपिटल ठीक है एनएससी अगर बोल रहा है कि निफ्टी कम हो रहा है दैट टॉप 50 50 कंट्रीज, कौन सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट की टॉप 50, उनका प्रॉफिट या कैपिटल शेयर जो है वो एवरेज में बढ़ रहा है निफ्टी कम हो रहा है मतलब लॉस में जा रहे हैं आई होप हाँ रूपाली यस कई बार अनलिस्टेड वाली पैसा कलेक्ट करती है और फिर गायब इसीलिए जिनको लिस्ट होना है जिनको लिस्ट होना है उनको पहले सेबी के रूल फॉलो करने होंगे सेबी जैसे बताएगा ना कि डायरेक्टर ऐसे रखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे रखो चेयरमैन ऐसे रखो सेबी के सारे रूल फॉलो कर लो तो आप किसी ना किसी लिस्ट में आ जाओगे जिस लिस्ट में अप्लाई करोगे उसी लिस्ट में आ जाओगे याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये कोई गवर्नमेंट के नहीं है ये खुद प्राइवेट कंपनियां हैं जो लिस्ट बनाती हैं ठीक है कीप इन माइंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये खुद प्राइवेट कंपनियां हैं जो लिस्ट बनाती हैं पर ये अपनी मर्जी से लिस्ट नहीं बनाती ये सेबी के रूल को तोड़कर लिस्ट नहीं बना सकते सेबी के रूल के अंडर ही लिस्ट बनाएंगे इसीलिए इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है आई होप मैंने आपको जो कुछ बताना था बता दिया मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट अक्टूबर 2018 से लेकर 2019 थाउजेंड के uh, सितंबर तक ऑलमोस्ट uh, हमने अराउंड uh, लेटर से 40 परसेंट यहाँ से करंट अफेयर्स किए और अब तक लेकर सितंबर 2020 तक हमने 60 परसेंट पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया और करंट अफेयर में मैंने आपने देख ही लिया होगा टेन क्लासेस के अंदर इकोनमी बायो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट पॉलिटी जो कुछ आया था बहुत बड़े लैटिट्यूड पे कवर किया है Uh, और ये जो टोटल uh, जो मैंने आपके साथ कवर किया है आपको पता है कि अगर आपको ये खुद करना था तो या तो आप करंट अफेयर की रोज़ वीडियोस देखते जो रोज़ आती हैं तो आप खुद के नोट्स तैयार कर सकते थे या फिर आप ईयरबुक पूरी की पूरी आती है सिक्स सेवन हंड्रेड पेजेस की आप वहाँ से भी ये सारा का सारा देख सकते थे बट खैर मैंने कंडेंस करके बिल्कुल शॉर्ट में करके मिनिमम डेटा आपको दिया है बहुत इजी होता है डेली करंट अफेयर की क्लास कंडक्ट करना और बाद में कहना कि मेरी क्लास से ही पूरा आया और ये भी बहुत इजी होता है कि आप 800 पेज का एक बुक छाप दो और फिर बोल दो कि मेरी क्लास से सारा आया मैंने आपके साथ टेन क्लासेज ली हैं मैं ये तो कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी क्लास से सारा आ जाएगा बट लेट लेटस्ट से अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं तो मैं इसे अपने लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा मेरी इसलिए क्योंकि इसका मतलब मुझे दो साल के करंट अफेयर ढंग से समराइज़ करने आगे आपकी इसलिए क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ यहाँ आए भी और आपने पेशेंटली मुझे सुना भी सहा भी एक प्रॉब्लम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंशन की थी कि सर क्लास रेगुलर नहीं है ठीक है क्लास रेगुलर नहीं हो पाई बिकॉज आप समझ सकते हैं कितने एरिया को कवर करना था मुझे आपको ये सारा डेटा इतना शॉर्ट में एक सिंगल बुक नहीं दे पाएगी जिसको बोलो कि सिर्फ मुझे 20 पेजेस के अंदर ये सब दो नहीं मिल पाएगा आपको पता है 800 पेज में सब मिल जाएगा 20 पेजेस में नहीं मिलेगा तो ठीक है उस वजह से थोड़ा इरेगुलर हो गया मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि इरेगुलर नहीं रेगुलर हो सके बट अगर इस वजह से आपको किसी तरह का इनकन्वीनियंस हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज ठीक है अगर आपका कोई डाउट या कुछ मैं नहीं सॉल्व कर पाया अगेन आई अपोलोजाइज ठीक है आप लोगों से खैर मैंने यहाँ पर हार्डवर्क तो बहुत किया था इस लेक्चर सीरीज को बनाने के लिए आप में से जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को रेगुलरली एक दो साल से फॉलो किया है वो समझ रहे होंगे कि कितना सारा हार्डवर्क करके किया ऑल दो व्यूज़ के चक्कर में मुझे उतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला जितना मैंने सोचा था मुझे लगा था कि आ, बहुत लोग देखेंगे खैर कोई बात नहीं मेरे लिए अचीवमेंट वही होगी अगर आप एग्ज़ाम के बाद आकर बोल दें कि यस उन टेन क्लासेस मुझे मुझे एक दो क्वेश्चन वहाँ से मिल गए वही अचीवमेंट मेरे लिए काफ़ी होगा फाइन तो आ, आप ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और नीचे नेम लिखा हुआ है आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना मुझे आपको एक पेज और इन्फॉर्मेशन का देना है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ आज की क्लास का पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगा पुराने पीडीएफ भी वहाँ पे सारे अपलोड हो जाएंगे हो चुके हैं मैक्सिमम हो चुके हैं यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा वन पेज का ठीक है कि क्या क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ध्यान में रख लेना प्लीज़ उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना और अब आप लोग बिल्कुल आ, अपने आप को आइसोलेट कर लो यूट्यूब व्हाट्सएप टेलीग्राम सब बंद कर दो बस याद रखना कि एक दो पेज यहाँ पे आने हैं सिर्फ मोबाइल ऑन करके उनको देख लेना अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना ठीक है देन ऑल राइट देन आई थिंक कुछ पूछा तो नहीं है आप में से किसी ने हाँ नहीं पूछा है आप में से फाइन हाँ टेलीग्राम पे हूँ मैं आप इसी चैनल को ज्वाइन कर लो uh, देख लेंगे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे आ जाएंगे ये ना हो कि मेरी वीडियो की तरह हो जाए कि जस्ट थर्टी व्यूज़ ठीक है अगर ऐसा ना हुआ अगर बहुत लोग इस पे आ गए तो मैं इस टेलीग्राम चैनल के अंदर डिस्कशन का ऑप्शन ऐड कर दूंगा जहां हम और आप आपस में डिस्कशन भी कर पाएंगे ठीक है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और खास करके मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसके साथ मैंने मैकेनिकल के थर्मल एंड और पोर्शन के ऑलमोस्ट एट हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वर्क हार्ड आपने बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी कर लिया है जस्ट व योर बेस्ट ठीक है कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है एंड थैंक यू वेरी मच ओके एंड विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू और भगवान करे कि आपने जितनी भी मेहनत की है आपकी वो सक्सेसफुल हो जाए और इनकेस एग्जाम में कुछ लिटल बिट प्लस माइनस हो जाता है तो डोंट टेक एनी टेंशन और एनी थिंग इट्स जस्ट एन एग्जाम ठीक है डोंट वरी जस्ट गिव योर बेस्ट आपको अपना बेस्ट देना है और एक बात और मैं पता नहीं इसके बाद आपको कब मिलूँगा नेक्स्ट टाइम बट एक चीज़ आप uh, uh, प्लीज़ ध्यान में रखना कि जैसे ही आपका पार्ट वन का एग्ज़ाम हो जाए आप वन डे टू डेज़ का रेस्ट ले लेना आपको पता है कि आपकी सिलेक्शन पार्ट वन से नहीं होनी पार्ट टू से होनी है जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे ऐसे कचरा टाइप जैसे कॉलेज में हम लिखते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे वन और टू डेज़ का रेस्ट करके इमीडिएटली पार्ट टू का प्रिपरेशन चालू कर देना प्लीज़ आंसर की डाउनलोड नहीं करनी आंसर की मैच नहीं करनी ज्यादा ज्यादा ये देख लेना कि जब आंसर की रिलीज होगी तो क्या आपके आंसर वही हैं जो आप मार्क करके आए थे बस कोई मार्क्स कैलकुलेट नहीं करने कुछ नहीं करना है बस पार्ट टू की प्रिपरेशन अब नहीं करोगे तो पार्ट टू की कभी प्रिपरेशन नहीं करोगे चाहे आप पार्ट टू इस बार लिखें चाहे आप ना लिखें आपको पार्ट टू इस बार जरूर प्रिपेयर करना है अब नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम लिख दोगे पर लिखना जरूर है ठीक है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हर बार ही छूट जाती है ये करनी है प्लीज डू नॉट कैलकुलेट योर स्कोर डू नॉट कैलकुलेट योर मार्क्स ओके डू नॉट कैलकुलेट मार्क्स डू नॉट कैलकुलेट स्कोर डायरेक्टली आके पार्ट टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली फुली सॉल्व करना चालू कर दीजिए ठीक है हो सका तो इसके बाद एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे और कुछ और डिस्कशन करेंगे थैंक यू वेरी मच मे गॉड ब्लेस यू